पास पेपर्स दिखेंगे इंग्लिश के जो एमडी कैट में आए हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं पास पेपर के 2023 के और इस तरह से और डिफरेंट ईयर्स के, जिसमें हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश में एमसीक्यूज आते हैं एम कैट लेवल में। तो ये काफ़ी आसान एमसीक्यूज होते हैं, कुछ लेक्चर्स मैंने आपको इससे पहले दिए हैं। और अब चूँकि जाहिर सी बात है कि हमारा सितंबर स्टार्ट हो चुका है, आज 1st of September है, तो हमें इन द एंड क्या करना है, अपने इन चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो हम पास पेपर्स को देख रहे हैं, तो अगर आपके सारे लेक्चर समझ में आ जाते हैं तो ये लास्ट लेक्चर ही होगा हमारा इंग्लिश का इस सेशन का, ठीक है। तो अभी तो मैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स वगैरह बना रहा था, अब केमिस्ट्री के बाद फाइनली अब मैं इंग्लिश का एक लेक्चर्स हम कर सकते हैं, चूँकि केमिस्ट्री ओवरऑल लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं सारे जितने भी हैं, तो केमिस्ट्री में भी शायद अब कोई और लेक्चर अपलोड ना हो, तो इंग्लिश में बाकी होगा और एक लॉजिकल रीजनिंग में मुझे करना है, बस ये दो ही लेक्चर्स रहते हैं। तो एक ये लेक्चर है 2.5 से 3 घंटे का होगा ये लेक्चर, और एक लेक्चर एक और एक है वो भी 2.5 से 3 घंटे का होगा लॉजिकल रीजनिंग पर, ठीक है। तो वो एक ही लेक्चर में हो जाता है कवर, चूँकि इतना बड़ा पोर्शन नहीं है, इसमें कुछ चैप्टर्स तो होते नहीं है एमडी कैट में, बस एमसीक्यूज होते हैं, बस वही सॉल्व करना होता है। जैसे केमिस्ट्री में चैप्टर्स होते हैं, इंग्लिश में चैप्टर्स नहीं है, ग्रामर है तो ग्रामर बेस्ड एमसीक्यूज है बस, तो वही आपको सारे करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट लेंगे, तो इट डैश मी अ लॉट ऑफ मनी, ये हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन कहलाता है ना, कि आपके पास एक सेंटेंस में एक ब्लैंक्स है एंड यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। तो फर्स्ट है इट डैश मी अ लॉट ऑफ मनी, कि मतलब मैंने ख़रीदा और उसमें मुझे बहुत पैसे लगे, तो क्या होगा, कोस्ट्स है, कोस्ट है, कोस्टेड है, इस कोस्टिंग है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन सी। अच्छा ये ऑप्शन सी यहाँ पर नहीं होगा, दिस विल बी द रॉन्ग वन, ऑप्शन ए होगा ना, अच्छा ए भी नहीं होगा, बी होना चाहिए, ठीक है। रीज़न क्या है, देखो कोस्ट जो है ना, कोस्ट दिस इज द फर्स्ट फॉर्म एज वेल एज द सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों फॉर्म जो हमारे पास वो सेम रहती है इसकी, दिस इज कोस्ट। तो कोस्टेड जो है वो कोई वर्ड हमारे पास नहीं है, तो देर इज़ नो वर्ड लाइक कोस्टेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा इट कोस्ट मी, अच्छा कोस्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट सिंपल टेंस है, तो कोस्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाता और ये सेंस क्लियर नहीं होता सेंटेंस का। इट कोस्ट मी अ लॉट ऑफ मनी, मतलब कुछ चीज़ मैंने ख़रीदी वो मुझे बहुत महंगी पड़ी, ये पास्ट सिंपल है, दैट विल बी द सेकंड फॉर्म, समझ गए। तो ये सेंटेंस कंप्लीशन कहलाता है, जिसमें एप्रोप्रिएट वर्ड को फिट करके हमें जो सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ता है। क्वेश्चन टू है एनी एंड हर ब्रदर्स डैश एट स्कूल आर एट स्कूल, चूँकि कंपाउंड हमारे पास ये एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल के लिहाज से, सो देयर शुड बी आर बी ऑप्शन। क्वेश्चन थ्री है माई फादर ऑफन डैश हेयर, यस माई फादर ऑफन कम्स हेयर, मेरे अबू अक्सर यहाँ आते हैं, बी ऑप्शन प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा ये। फोर्थ है डैन डैश अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यस हैज हैव इज हैविंग हैविंग, यस नो, चूँकि हैव जो हमारे पास है ये स्टेटिव वर्ब है और जो स्टेटिव वर्ब होता है उसकी आईएनजी फॉर्म पॉसिबल नहीं होती है, तो हैविंग नहीं हो सकता, यस ऑप्शन ए होगा। डैन चूँकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम लोग हैज लगाते हैं, अगर ये प्लुरल होता तो हैव लगाते हैं, ठीक है। तो डैन हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन फाइव है वी शैल डैश देयर फॉर अ वीक, वी शैल डैश देयर फॉर अ वीक,
Yes, for a week. ऑप्शन बी वी शैल हैज बीन गॉन. बी तो हो ही नहीं सकता ना, शैल हैज बीन तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है. डी शैल हैज भी कुछ नहीं होता. शैल गोइंग तो हो ही नहीं सकता ना बेटा, शैल एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है. तो ये हमारे पास हो जाएगा ए ऑप्शन, वी शैल बी गोइंग देयर फॉर अ वीक. हम भाई एक हफ्ते के लिए जा रहे होंगे, तो शैल या विल है तो उसके बाद वी ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो बाकी तो उसमें पॉसिबल ही नहीं था स्ट्रक्चर के लिहाज से. मतलब एक तो ऐसा होता है कि हमें पता लग जाता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, चूँकि ग्रामेटिकली ये पॉसिबल ही नहीं है. और मुश्किल तब आती है जब ग्रामेटिकली पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आने शुरू हो जाते हैं, फिर हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना पड़ता है, वो मुश्किल होता है. और इस तरह के सवाल तो बहुत आराम से लग जाते हैं, जिनको हमें पता है कि ये तो ज़िंदगी में कोई पॉसिबल ही नहीं है, इस तरह का जुमला कोई भी सेंस नहीं दे सकता. ठीक है, क्वेश्चन सिक्स है, द गार्डनर विल हैव डैश द फ्लावर. ए हो जाएगा, प्लक्ड हो जाएगा, चूँकि यहाँ विल हैव आ गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, सो दैट्स वाई देयर शुड बी प्लक्ड. तो गार्डनर विल हैव प्लक्ड द फ्लावर्स. सही समझ गए मसला. आगे बढ़े तो ये सारे सेंटेंस कंप्लीशन ही आ रहे हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो. क्वेश्चन सेवन है, ये साइनोनिम है बिवाइल्डर्ड. तो बिवाइल्डर्ड का क्या मतलब होता है? यस, सम इफ समवन इज बिवाइल्डर्ड सो ही और शी मस्ट बी कंफ्यूज्ड. तो उसका मतलब कंफ्यूज होना, परेशान होना, बिवाइल्डर होना. ठीक है, क्वेश्चन एट है, आई एम इन लंदन दिस समर आई डैश इंग्लिश. इस गर्मी के मौसम में मैं लंदन में हूँ एंड आई डैश इंग्लिश. आई एम लर्निंग इंग्लिश या सी ऑप्शन, कि मैं लंदन में हूँ इस गर्मी के मौसम में और मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ वहाँ पर. ठीक है, क्वेश्चन नाइन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा ये पंक्चुएशन है, तो ये हमारा पंक्चुएशन तो मैंने आपको सिखाया था, जिसमें हम लोग अप्रोप्रिएट जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करेंगे. तो कहाँ पर यूज़ हुआ पर? क्या कह रहे हैं? बी ऑप्शन, हु इजंट हेयर येट आस्क्ड परवीन. नहीं, डी कहाँ से सही है? सही है बी भी सही है. इसमें भी गलती हुई भी है कि इसमें कॉमा नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ कॉमा भी होना चाहिए था, तो अब ये सही हो जाता, वरना चार ही गलत है. कॉमा यहाँ मिस, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो देर बस भी कॉमा है ना. कम सुना, वी हैव क्वेश्चन 10, स्पॉट द एरर. तो स्पॉटिंग एरर भी हमारे पास आता है इन डिफरेंट सेंटेंसेस इन विच यू हैव टू नो के कहाँ पर गलती है सेंटेंस में, तो उसको हम स्पॉटिंग एरर कहते हैं. तो क्वेश्चन है, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माय टूथ वाज स्टॉप्ड एकिंग आउट ऑफ फियर दैट आई माइट लॉस माय टीथ. तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सा पार्ट गलत है स्पॉट करना एरर को? यस, ऑप्शन बी, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माय टूथ वाज स्टॉप्ड एकिंग आउट ऑफ फियर दैट आई माइट लॉस माय टीथ. ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग? बी ऑप्शन, बी दिस वन. ओके दैट्स करेक्ट, यहाँ वॉज नहीं आना चाहिए था, माय टूथ स्टॉप्ड एकिंग. हाँ, तो मेरी जो माय टूथ स्टॉप्ड एकिंग मतलब मेरे दांत ने जो है वो दर्द करना बंद कर दिया, तो वॉज की नीड नहीं थी, पैसिव नहीं है, एक्टिव वॉइस ही है. नंबर 11 है, इट डैश नाउ, इट इज़ रेनिंग नाउ, चूँकि नाउ आ गया, एक ऐसा एडवर्ब है जो प्रेजेंट कंडीशंस को बताता है,
तो ये हो जाएगा इट इज़ रेनिंग नाउ कि अभी बारिश हो रही है। समझ में आ गया क्वेश्चन 11 तक सबको? ये पास पेपर के क्वेश्चन है, ये जो आए हुए हैं एमडी कैट में गुज़िश्ता 2-3 सालों में, ये सारे वही हैं। तो मैंने सारे कंपाइल कर दिए एक जगह पर। नेक्स्ट है ट्वीज़र्स डैश ऑलवेज यूजफुल टू हैंडल अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। ट्वीज़र्स जो है वो देखा होगा आपने, फोर्सेप टाइप का होता है, तो ट्वीज़र्स आर हो जाएगा चूंकि प्लूरल है, एस आर है यहाँ पर, तो ट्वीज़र्स आर ऑलवेज यूजफुल टू हैंडल अ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। 13 है, अब दिस इज ऑल्सो पंक्चुएशन, सो यू हैव टू पंक्चुएट। अब बताएं करेक्ट पंक्चुएशन मार्क कहाँ यूज हुए? यस बी ऑप्शन। Didn't you hear that the exam was changed to next week? A तो होगा नहीं चूंकि didn't में apostrophe नहीं है, और B भी नहीं होगा चूंकि question mark नहीं है। अब B और C में से एक है। अब यहाँ comma लगा हुआ है, that से पहले यहाँ पर comma नहीं लगा हुआ है। तो क्या होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पर कॉमा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। तो दैट से पहले हम कॉमा नहीं लगाते, ठीक है? जैसे ही सेड दैट ही इज माय फ्रेंड, तो कोई कॉमा नहीं लगेगा। क्वेश्चन 14 है, अ कंटेनर ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स डैश फाउंड इन द सेलर। क्या वर्ड? गलत जवाब। वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, ये कंटेनर है ना, ये नट्स एंड बोल्ट्स को देख रहे हैं आप, कंटेनर देखे सिंगुलर है तो वॉस लगेगा, तो जो फर्स्ट वाला होता है उसी को देखते हैं ना अग्रीमेंट के रूल के लिहाज से। 15 है, चूज द फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस कौन सा है इनमें से? वैसे तो कोई भी नहीं है, अगर सिर्फ हाँ फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट तो कोई नहीं है। अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस कह दें या फ्यूचर प्रोग्रेसिव कह दें तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाता फिर। हाँ सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, ये बी होते तो है फ्यूचर इंडेफिनिट, सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बना हुआ है, द पार्सल विल बी डिलीवर्ड, मतलब समवन विल डिलीवर द पार्सल, so it is actually the passive of the sentence, so B option will be the correct one in this case. Question 16 hai, the officer is angry on the clerk for not completing the job in time. Kya option hoga? nahi aisa to nahi hai, in time on time mein zyada fark nahi hai, on time ka matlab hota hai exact time par, dekho dono sahi hai, ऑन टाइम भी सही है और इन टाइम भी सही है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी फ्लाइट जो है वो अगर रात के 12 बजे निकलने वाली है और रात के 12 बजे आप पहुंचो तो यू रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, ठीक है? और अगर 11:30 बजे आप पहुंच जाते हैं तो यू रीच द एयरपोर्ट इन टाइम, तो मतलब स्पेसिफिक टाइम से थोड़ा पहले। तो ये इन टाइम और ऑन टाइम कोई ख़ास ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें, तो ये यहाँ डी में गलती तो है नहीं, फिर गलती यहाँ पर बी ऑप्शन में, ऑन द क्लर्क। एंग्री ऑन कभी नहीं होता, या तो एंग्री एट होता है या एंग्री विथ होता है, आई एम एंग्री विथ यू या आई एम एंग्री एट यू, एंग्री ऑन यू नहीं होता। किसी से नाराज़ होने के लिए एंग्री के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है वो एट या विथ किया जाता है, ऑन नहीं करते कभी भी। 17th है, आई डैश द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ। अब देखो फॉर आ गया ना भाई, अब फॉर आ गया तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हैव बीन टेकिंग हो जाएगा। सो आई हैव बीन टेकिंग द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक नाउ, ठीक है? समझ में आ गया 17 क्वेश्चन तक? ओके आगे बढ़ते हैं। 18,
neither of the paintings dash sold. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है. यस बिल्कुल सही. नीदर जो है हमारे पास अगर आता है तो ये सिंगुलर सेंस देता है ना, तो वॉज सोल्ड. 19 है द सैंपल्स ऑन द ट्रे डैश टेस्टिंग. अब सैंपल्स हैं, अब सैंपल्स है तो प्लूरल है तो बी हो जाएगा, नीड टेस्टिंग. सही है. 20 है कैन यू डैश द टी एंड आई विल गेट द केक माई सेल्फ. कैन यू पोर द टी. यस उंडेलना, पोर का मतलब होता है किसी चीज़ को उंडेलना, मतलब चाय को कैटल से आपको कप में डालना, तो यू आर पोरिंग द टी. क्वेश्चन 21 है चूज द करेक्ट टेंस. इनमें से कौन सा टेंस करेक्ट है. अब देखो यस्टरडे आ गया ना, अब यस्टरडे आ गया तो टेंस हमारा होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट. ऑप्शन ए हो जाएगा आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, क्योंकि जब भी यस्टरडे आएगा तो हम टेंस पास्ट इंडेफिनिट ही लगाएंगे, प्रेजेंट का सेंस नहीं आ सकता इन दैट केस. समझ गए. 22 है देयर इज डैश इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लाइंड डैश ब्लाइंड ऑफ द सिटी. यस ऑप्शन 4. एन इंस्टीट्यूशन तो हो गई ना, तो ए और बी तो होगा नहीं कि एक इदारा है फॉर, या डी ऑप्शन होगा फॉर द ब्लाइंड ऑफ द सिटी, मतलब के शहर के अंधे लोगों के लिए. चूंकि ब्लाइंड हमारे पास एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव जब हमारे पास विदाउट एनी नाउन आता है तो हम उसके साथ डी लगाते हैं, मतलब एडजेक्टिव अगर अपने नाउन के बिना है तो वो फिर दा लगेगा. तो देयर इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड ऑफ द सिटी, मतलब शहर के अंधों के लिए किदारा है वहाँ पर. सही है. 23 इट वॉज अ गुड पीस ऑफ लैंड दे गॉट क्वाइट डैश बाई यूजिंग इट टू कल्टिवेट टू द मच नीडेड इंडस्ट्रियल प्लांट्स. दिट्स इट वॉज अ गुड पीस ऑफ लैंड दे गॉट क्वाइट डैश by using it to cultivate the much needed industrial plant. वो क्या हो गए काफ़ी, वो काफ़ी डैश हो गए उसको इस्तेमाल करके, उस ज़मीन को इस्तेमाल करके, ताकि वो कल्टिवेट कर सकें मच नीडेड इंडस्ट्रियल प्लांट्स को. ऑप्शन डी होगा ना, प्रॉस्पेरस हो गए. प्रॉस्पेरस ठीक है, तो प्रॉस्पेरस हो गए. प्रॉस्पेरस का क्या मतलब क्या होता है, खुशहाल या फिर अमीर, तो वो अमीर हो गए उसको इस्तेमाल करके, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्लांट थे, कैश क्रॉप्स थे, तो उनसे पैसे मिलते हैं, उनको बेचा जाता है. तो 24 है डैश एपिल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ये तो आसान है, बी ऑप्शन एन एपिल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. समझ गए सारे, तो मसला किसी एमसीक्यूज में नो. तो ये 24 हो गए. 25 फिर पंक्चुएशन है बेटा. 25 में देखें, जैसे कि आप जानते हैं एमडी कैड में पंक्चुएशन भी हमारे पास आते हैं और ये आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते. क्वेश्चन 25 में अगेन यू कैन सी देयर इज पंक्चुएशन. क्या होगा करेक्ट पंक्चुएशन. बेल्जियम एंड फ्रांस फाउट ओवर Who would host the Olympic Games? बेल्जियम और फ्रांस ने एक दूसरे से लड़ाई की इस चीज़ पर कि कौन ओलंपिक गेम्स को के मेज़बानी करेगा. मेज़बानपुर में झगड़ा हो गया बेल्जियम और फ्रांस का. देखो ये इंटरोगेटिव तो है नहीं, ये तो होगा नहीं, और ये एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है तो डी भी नहीं होगा. अब बी या सी में से एक है, बी होगा सी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर कॉलन की कोई नीड नहीं है. कॉलन तो जब हमको लिस्ट स्टार्ट करते हैं तो बताते हैं ना, सीरीज या कोई लिस्ट स्टार्ट करनी हो तो देन वी यूज कॉलन. तो ये विदाउट कॉलन लिखा जाएगा इसको, तो एक सिंपल एक रन ऑन सेंटेंस है सीधा. ठीक है. क्वेश्चन 26 है योर हैंड्स एंड फीट डैश नियरली हाफ द बोन्स इन योर बॉडी. हाँ जी,
आपके हाथ और पाँव में आधी हड्डियाँ हैं आपके जिस्म की। कंटेनिंग, गलत जवाब दोबारा से हो गया। ओके ओके, सी ऑप्शन कंटेन। नाउ राइट, कंटेन 27 है। आई वॉन्ट टू बिकम अ राइटर, किस तरह का सेंटेंस है ये? मैं एक लिखारी बनना चाहता हूँ। यस, यस, इम्पेरेटिव नहीं हो सकता। इम्पेरेटिव तो हमारे पास होता है हुकुमिया जुमले ना, जिसकी इसकी निशानी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या डोंट से स्टार्ट होते हैं, या प्लीज से स्टार्ट होते हैं, या काइंडली से स्टार्ट होते हैं। ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, काइंडली ओपन द डोर, दीज आर इम्पेरेटिव। ऑप्टेटिव तो है वो हमारे पास होते हैं दुआया जुमले, दुआ बदुआ ये सब होता है ना इसमें। अब ऑप्टेटिव या तो मे से स्टार्ट होते हैं, या तो ये स्टार्ट होते हैं वुड दैट से, तो ये ऑप्टेटिव होते हैं। तो ये ऑप्टेटिव भी नहीं है इसका मतलब है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं है ये, चूँकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ होता है, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है। तो ये एक सादा सा एक जुमला है जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उर्दू में जिनको हम लोग कहते हैं बयानिया जुमले, इन्हीं को हम लोग कहते हैं बयानिया जुमले, जिसमें हम किसी चीज़ को बयान कर रहे होते हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी है, डिक्लेरेटिव है। डिक्लेरेटिव को हम लोग जो है वो असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें कोई स्टेटमेंट होती है। ओके, इसके बाद है 28। व्हेन डिड यू डैश स्मोकिंग? यस, गिव अप। व्हेन डिड यू गिव अप स्मोकिंग? तुमने कब स्मोकिंग करना छोड़ा? गिव अप का मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना किसी चीज़ को। 29 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड बेनिफिट। सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही, बेनिफिट की करेक्ट स्पेलिंग। तो ये करेक्ट स्पेलिंग भी आती है एमडी कैट में, बहुत आसान सवाल होता है, तो करेक्ट जो स्पेलिंग हो तो उसको टिक करना होता है। 30 है, अ गर्ल राइड एन एलिफेंट अराउंड द रिंग, क्या हो जाएगा? बी, देख लेते हैं। राइड तो होगा नहीं, राइड्स होता तो होता तो राइड्स होता, रोड सेकेंड फॉर्म है, तो ए तो है नहीं। विल राइड, रोड, वॉज राइडिंग, बी सी और डी तीनों ही हो सकते हैं। ऐसे वॉज राइडिंग मतलब एक लड़की राइड कर रही थी, रोड मतलब राइड, रोड रिडन, उसने राइड किया। विल राइड मतलब वो राइड करेगी। तो क्या होगा इसका भी? जो ये सारे आ गए ना उसमें देखो, तीन चूँकि स्ट्रक्चर के लिहाज से तीनों सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। अब इस सूरत में हम देखते हैं यहाँ पर एडवर्ब के लिहाज से, फिर हम चेक कर लेते हैं ना। रोड आता ना तो इसके साथ हमारे पास पास का कोई एडवर्ब आता है, यस्टरडे, टू आवर्स अगो, इस तरह का। विल राइड आता तो फ्यूचर का कोई आता, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, इस तरह से। तो यहाँ वॉज राइडिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें टाइम ऑफ एक्शन मेंशन नहीं किया जा रहा, तो हम समझते हैं बी ऑप्शन होना चाहिए। सही है, तो ऐसे ही सवाल थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है। 30 क्वेश्चन है, जैसे 31 है, वेयर इज, इसको कंडेंस फॉर्म क्या होती है? बी ऑप्शन है, वेयर इज, ठीक है। वेयर इज को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह कंडेंस फॉर्म भी पूछी जाती है एमकैट में। वुडंट, वुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या है? सी ऑप्शन रहेगा, वुडंट। तो आपने देखा काफ़ी आसान होते हैं एमसीक्यूज उसके ना, एमडी कैट के इतने मुश्किल नहीं होते, मतलब बेसिक इंग्लिश नॉलेज रखने वाला बच्चा भी कर सकता है आराम से, जिसको बेसिक इंग्लिश आती है सिर्फ, बहुत फ्लुएंट स्पीकर जो ना हो, बेसिक इंग्लिश जिसको आती हो वो भी कर सकता है। मतलब इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में परेशान कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं करते हैं परेशान इसमें, ख़ासतौर पर एम कैट लेवल में। सबसे आसान इंग्लिश मैंने आपको बताया कि एमडी कैट की ही होती है, तमाम पाकिस्तान में जितने भी एंट्री टेस्ट होते हैं, अब बाकी इसके अलावा सब जगह मुश्किल आते हैं, सिर्फ एमडी कैट के आसान होते हैं। और गिनती के सवाल भी होते हैं, ज़्यादा हैवी नहीं तो फ़ायदा भी नहीं है, ज़्यादा होते तो नंबर भी उठा लेते हैं हम इसमें। अब गिनती के सवाल देते हैं ये, तो उसमें कितने 16 ही सवाल देते हैं ना, 16 देंगे तो 16 नंबर आएंगे मैक्सिमम,
अब बाकी जो 54, 68 MCQs है वो मुश्किल डाल देंगे तो फंस जाते हैं बच्चे भी। नेक्स्ट है 33 है स्पॉट द एरर। दोबारा स्पॉट कर एरर को, कौन सा पार्ट में गलती है। इफ यू लैंड हिम अ बुक ही विल लैंड इट टू समवन एल्स बट नेवर यू विल गेट इट बैक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। एंड यू विल नेवर गेट इट बैक, नेवर यहां होना चाहिए। तो फॉर्मेशन मिस्टेक है सेंटेंस के अंदर, अरेंजमेंट सही नहीं है जुमले की, ठीक है। तो 34 बिकॉज ऑफ हिज डैश हैबिट्स ही कुड नॉट सेव मच मनी। एक्स्ट्रावेगेंट सही बात है, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है फजूल खर्ची। अपने फजूल खर्ची की वजह से वो नहीं सेव कर सका। फ्रूगल का मतलब तो होता है कंजूसी, तो फ्रूगल यहां पर नहीं होगा, फ्रूगैलिटी जिसको हम कहते हैं, यहां पर एक्स्ट्रावेगेंट होना चाहिए, फजूल खर्ची। 35 है क्विवर। क्विवर के इसके आपको क्या बता रहे बेटा, सैनोनिम बताने। क्विवरिंग पता है क्या वर्ड, सुना है कभी? क्विवर का मतलब होता है लरसना, कांपना है। ट्रेमेंडस का मतलब कांपना होता है, क्या हो गया भाई? ट्रेमेंडस का मतलब होता है शानदार, ट्रेम्बल होगा ना, ट्रेम्बलिंग का मतलब, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, कांपना या लरसना। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्विवर का ट्रेम्बल, ये सैनोनिम है मुतरादिफ इसके। 36 है दिस इज डैश गुड कंपनी टू वर्क विथ। यस आ जाएगा, क्योंकि गुड हमारे पास एक पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। जब भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हमारे पास आएगा तो उससे पहले हम लोग आ या एन लगाएंगे, ठीक है। 37 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड पोजेशन, मलकियत। करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है पोजेशन की? ऑप्शन ए होती है, बिल्कुल सही, पोजेशन की। ये पोजेशन होता है मलकियत, बिलोंगिंग। प्रून या प्रियून, सॉरी दिस इज प्रियून, ये वर्ड सुना है कभी? प्रियून का मतलब होता है ना लाइक जैसे दरख्त वगैरह है ना, उनमें जो एक्स्ट्रा झाड़ियाँ वगैरह या जो ब्रांचेस निकल जाती है ना उनको काटा जाता है। तो दरख्तों के जो ब्रांचेस को काटा जाता है, काट कर छोटा किया जाता है, तो वो उसको कहते हैं प्रियून करना, तो रिड्यूस करना सही, कम करना किसी चीज़ को। तो प्रियून का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। 39 है चूज द करेक्ट टेंस, ही बाउट अ न्यू हाउस लास्ट मंथ। कौन सा टेंस है? बाउट आ गया सेकंड फॉर्म, पास्ट है, बिल्कुल सही। तो ये भी टेंस भी पूछते हैं बेटा आपसे। 40 एक्सक्यूज मी कुड यू डैश मी द वे टू द टाउन हॉल। मतलब माफ कीजिएगा कि आप मुझे रास्ता बता सकते हैं टाउन हॉल का? यस टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? टेल मी द वे टू द टाउन हॉल, सिंपल ना, इस तरह से हम बोलते हैं। क्लियर है बेटा को मसला? और आगे सारे देखो, इंग्लिश के एप्टीट्यूड के मैंने काफ़ी लेक्चर्स डाले हुए होते हैं, बट अक्सर उसमें से जैसे NED के लिए होते हैं या फिर उसके लिए नहीं तो आपके IBA के लिए हो गया, NEST के लिए हो गया, FAST के लिए हो गया, अब वो मुश्किल आता है वहाँ पर ना। MD CAT में आपको वो सारे ग्रामर देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप बस पास पेपर MD CAT में करोगे उतना काफ़ी होता है, दैट इज़ फार मोर देन इनफ। आपको उसके लिए पूरी ग्रामर पढ़ने की नीड ही नहीं है स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो उसको टाइम वेस्टेज है, क्योंकि नंबर का वेटेज भी नहीं जैसे मैंने आपको बताया। तो बस पास पेपर ही करेंगे, बाकी जो हमारे बेसिक नॉलेज इंग्लिश की है उसके तहत हम सर लगा के आएंगे इसमें, ठीक है। देखो 16 में से ना 14-15 तो हर कोई सही कर सकता है, 14-15 तो हर बंदा सही कर सकता है। हाँ, अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो 1-2 सवाल गलत कर सकता है, जिसकी अच्छी है वो पूरा 16 सही करके आता है, और जिसकी अच्छी नहीं है वो 14-15 तो कर ही लेता है, ठीक है। मतलब ये देखें ना इसमें कौन सी मुश्किल चीज़ है, आप बोलोगे ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल है MCQ 7-8 क्लास में आपने किए थे, तो उससे भी आसान है। क्वेश्चन 41 है, ओके यहाँ पर दोबारा पंक्चुएशन आ गया, करेक्ट पंक्चुएशन बताएं कहाँ यूज़ किया जा रहा है।
So again you have to punctuate. यस कहाँ है बेटा? बी ऑप्शन, यहाँ ये बी. सो लेट्स चेक इट आउट whether it is correct or not. The weather in August is usually very humid. ठीक है, ए तो होगा नहीं, दैट्स करेक्ट. कि ए हमारे पास इसलिए नहीं हो सकता कि ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी नहीं है. दिस इज नॉट एक्सक्लेमेटरी. अगस्त का ए कैपिटल होगा तो सी भी नहीं हो सकता, चूंकि मंथ हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं. दैट्स वाई सी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. अब आते बी और डी. ह्यूमिड कैच कैपिटल होने की जरूरत नहीं है. ह्यूमिड तो मतलब मॉइस्ट, लाइक मरतूब, हैविंग अ हाई मॉइस्चर कॉन्टेंट, दैट इज ह्यूमिड, मतलब हैविंग अ हाई ह्यूमिडिटी. तो एच ह्यूमिड तो जस्ट एक हमारा एडजेक्टिव है. तो इसमें कोई स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल एडजेक्टिव का करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है. ठीक है, तो ये मरतूब इसके मतलब होते हैं. तो दैट्स वाई आपने सही कहा, बी ऑप्शन करेक्ट है. तो 42 है, इट सेल्डम डैश हेयर इन फेब्रुवरी. यस सेल्डम, सेल्डम आपको पता है यहां पर दिस इज एडवर्ब, और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, इसका मतलब होता है शाज और नादिर. जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, है ना. तो सेल्डम मतलब होता है मुश्किल से ही, कभी, शाज और नादिर. तो जब भी हमारे पास ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है तो हम लोग टेंस लगाते हैं कि हाँ भाई प्रेजेंट सिंपल. तो प्रेजेंट सिंपल के लिए क्या लिखेंगे, क्या बता रहे थे आप लोग आंसर? रेन्स. इट सेल्डम रेन्स हेयर इन फेब्रुवरी. ठीक है बेटा, रेन्स करेक्ट हो गया. 43 है, वी आर लीविंग, आर यू रेडी? नॉट डैश, गिव मी 10 मिनट्स. नॉट येट, बिल्कुल. येट मतलब होता है अब तक, है ना, अब तक नहीं, नॉट येट. ये कॉमन जो हम लोग डेली प्रैक्टिस में जुमले कहते हैं भाई है. 44 है, ये फिर पंक्चुएशन है. अगेन यू हैव टू पंक्चुएट. आप देखें करेक्ट पंक्चुएशन किस में, इन चारों में से. चार्ल्स डिकेंस रोट अ टेल ऑफ टू सिटीज, लिटिल डॉरिट, अ क्रिसमस कैरल, अ ब्लैक हाउस अमंगस्ट अदर्स. द चार्ल्स डिकेंस एक राइटर हैं और इन्होंने लिखा, ये किताबें लिखी, अ टेल ऑफ टू सिटीज, लिटिल डॉरिट, अ क्रिसमस कैरल, अ ब्लैक हाउस. बाकी तक दूसरे किताबों के साथ उन्होंने ये सब किताबें भी लिखी हैं. क्या लगता है आपको? क्या कह रहे बेटा? फर्स्ट कह रहे ए. चार्ल्स डिकेंस रोट अ टेल ऑफ टू सिटीज, लिटिल डॉरिट, अ क्रिसमस कैरल, अ ब्लैक हाउस अमंगस्ट अदर्स. सही है, ए ऑप्शन होगा. बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? डिकेंस का डी स्मॉल है. सी ऑप्शन किस लिए नहीं होगा? डॉरिट का, ये डॉरिट एक नाम है ना ये, तो डी कैपिटल होना चाहिए. तो सी नहीं होगा. डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक कॉमा मिसिंग है. दैट्स वाई. सही कह रहे हैं आप लोग, ए ऑप्शन करेक्ट. तो मसला क्लियर है ये सारे. तो ये 44 MCQs हो गए हमारे. 45 है, मोस्ट पीपल एग्री दैट किंडरगार्टन कंट्रीब्यूट्स डैश द चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट. बहुत सारे लोग इस बात से अग्री करते हैं, हामी भरते हैं इस बात पर कि जो केजी होता है किंडरगार्टन, तो किंडरगार्टन जो केजी क्लासेस होती हैं तो वो कंट्रीब्यूट करती हैं बहुत ज़्यादा एक बच्चे के ज़हनी नशोनुमा में. कंट्रीब्यूट के साथ एक वर्ब है ना, इसके साथ प्रेपोजिशन क्या आता है? यस टू आता है, बिल्कुल करेक्ट. कंट्रीब्यूट्स टू द चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट.
46 है, प्लीज टेल अस द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला। इंपेरेटिव है चूंकि प्लीज से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस, बिल्कुल सही। सो दिस इज इंपेरेटिव, हुकुमिया जुमले आज रिक्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर इस तरह का एफ्लुएंट, ये इसका सिनोनियम ढूंढना है। देखो फ्लू का क्या मतलब, फ्लू का मतलब होता है फ्लो, किसी चीज का बहना, फ्लू बहना किसी चीज का। जैसे जब किसी बीमारी में रनी नोज अगर होता है तो उसको फ्लू कहते हैं, बिकॉज वो रन हो रहा है नोज। इसी तरह से इन्फ्लुएंस, अगर एक शख्स के असरात सामने वाले बंदे तक जाएं बहते हुए तो उसको कहते हैं इन्फ्लुएंस। इसी तरह से बहुत सारे दरियाओं का पानी एक साथ बहता है तो उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू और मोर देन टू रिवर्स। इसी तरह से अगर किसी इंडस्ट्री वगैरह से गंदा पानी निकलता है तो उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। इसी तरह से अगर आप इंग्लिश रवानी से बोलते हैं, तेजी से बोलते हैं और अल्फाज इंग्लिश के बहते हैं आपके ज़बान से, तो इट मीन्स यू हैव फ्लुएंसी, यू आर अ फ्लुएंट स्पीकर। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम देखते हैं तो जो फ्लू का जो रूट आता है ना, ये रूट वर्ड जो फ्लू है, इसके मतलब सिंपल यही होता है कोई चीज़ बह रही है। अब वो ज़बान से बह रही है, नोज से बह रही है, वो किसी दरिया से बह रही है, इंडस्ट्री से बह रही है, कहीं से ही बहले। इसी तरह से एक वर्ड होता है अफ्लुएंट, अफ्लुएंट मतलब होता है कि द फ्लो ऑफ वेल्थ, एक इंसान के पास दौलत बह रही हो तो उसको हम लोग कहते हैं अफ्लुएंट। तो अफ्लुएंट पर्सन मतलब अ वेरी रिच पर्सन, एक अमीर इंसान, तो क्या हो जाएगा उसका सी ऑप्शन वेल्दी, द फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम अ पर्सन। तो बहुत बार हमें जो रूट वर्ड से हम पहचान लेते हैं कि ये क्या मीनिंग होगा इस वर्ड का, अगर से वो वर्ड आपने जिंदगी में पहली बार पढ़ा होता है, लेकिन हम तोड़ कर जुमले को हम देख सकते हैं वर्ड को कि इसके मतलब क्या होंगे। वरना अगर पढ़ा हुआ आया है तो ऐसे ही कर लेंगे, नहीं पढ़ा हुआ तो हम चेक करते हैं उसके रूट को। अक्सर कभी कभार ऐसा भी आया था जो पता नहीं नया ही वर्ड लग रहा होता, उसका तरीका ये होता है। 48 है, बोथ ऑफ यू डैश द रूल्स, नो द रूल्स, बिल्कुल सही, प्लूरल आ जाएगा बोथ है तो नो द रूल्स। 49, व्हाट डू यू यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट चूंकि एक मील है ना बेटा, मील टाइम, हमने पढ़ा था आर्टिकल्स के अंदर कि मील टाइम से पहले हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल होता है। इसी तरह ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, हाई टी है, सपर है, इन सब से पहले वी नेवर यूज एनी आर्टिकल, ना ही ए इस्तेमाल करेंगे ना एन ना दी इस्तेमाल करेंगे। ये ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि लंच, डिनर, सपर, हाई टी, किसी से पहले भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। 50, इफ़ यू डैश एट वंस यू कैन रीच बाय 6 o'clock, यस, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा ना, इफ़ यू स्टार्ट एट वंस, अगर तुम अभी सफ़र को शुरू करते हो तो तुम 6 बजे तक पहुंच सकोगे, सही है। तो कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल है, पता है ना कंडीशनल, तो यहाँ विल के बजाय मॉडल कैन इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। 51 अगेन पंक्चुएशन, क्या होगा बोले, डी बी बीटा, ओके। 'Today was her sister's birthday, so he took her out for dinner. Today was her sister's birthday, so he took out her for dinner. Okay, देखते हैं बाकी। Sisters बहुत सारी, बहनों का birthday तो नहीं होगा, एक ही का होगा, तो ये D तो नहीं है। Today was her sister's birthday, so he took her out for dinner. Today was her sister's, अच्छा okay, ये option भी नहीं होगा। सी क्यों नहीं हो सकता, चूंकि जो सो आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास कौन सा है, फैन बॉयज कंजंक्शन है ना, पढ़ा है ना फैन बॉयज, फॉर एंड नॉट बट और येट सो, तो ये फैन बॉयज कंजंक्शन जो हमारे पास होते हैं दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं इसको,
और जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं उससे पहले हमेशा कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई सो चुके एक हमारा फैन बॉयज कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दैट्स वाई वी सपोज टू यूज अ कॉमा बिफोर दिस वर्ड। सो इन दिस इन दैट्स वाई ऑप्शन सी इज नॉट अप्रोप्रिएट बट बी इज मोर अप्रोप्रिएट हेयर इन दिस सिनेरियो, ठीक है। समझ आ गई बात, आसान है, इतना मुश्किल तो नहीं, ये बहुत बेसिक ग्रामर है, एम डी कैट के ग्रामर पढ़ाने में तो मज़ा भी नहीं आता, इतना आसान होता है ये। आई बी ए के जब हम कराते हैं ना वहाँ मज़ा आता है, वहाँ तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा आपको कुछ भी, क्या हो रहा है, सब सही लग रहा होगा। आई बी ए का जो टेस्ट होता है इंग्लिश का, एम डी कैट तो नॉर्मल इंग्लिश वाले को भी समझ में आया था इसका यही आंसर, ठीक है। तो उसमें गलती नहीं करनी है, पूरा 16 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। 52 है, हाउ रिडिकुलस दिस इज, कौन सा सेंटेंस है बोले, एक्सक्लेमेटरी, बिल्कुल सही, बहुत आसान लॉजिक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख गया था आपको, दैट्स वाई वेन एवर देर इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सो द सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, डी ऑप्शन। 53, आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट्स, हैव जस्ट आ गया ना तो बेटा डी तो हो, बी तो होगा नहीं, आयुष ओके क्या बताएं, सही बताएं, ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही। आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, मतलब मैं सारे दोपहर काम करता रहा हूँ और मैंने अभी अभी अपना काम मुकम्मल किया है, सही है, मतलब एक ख़ास एक टाइम से काम होता रहा है। 54 है, अलॉट ऑफ हाउसेस डैश कोलैप्स ड्यू टू स्टॉर्म, यस अलॉट ऑफ हाउसेस वर हो जाएगा चूंकि प्लुरल सेंस देगा, अलॉट आ गया तो उसके मतलब नहीं कि सिंगुलर है, ये प्लुरल ही होता है, आ गया ना तो बहुत सारे बच्चे आ देख कर कहते हैं सिंगुलर हो गया, ऐसा नहीं है। 55 है, द बुक इज अबाउट डैश मैन हु लिव्स ऑन डैश स्मॉल आइलैंड, ये किताब एक ऐसे शख्स के बारे में है जो एक छोटे से जजीरे में रहता था, ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं सॉरी बी नहीं, नहीं सॉरी सी कहाँ से, सही है सही। देखो मैन है तो किसी एक, ये किताब एक आदमी के बारे में है, वो आदमी कौन है आप नहीं जानते, तो आ हो गया अ मैन हु लिव्स इन ऑन, अच्छा स्मॉल आ गया, स्मॉल एक पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल ए लगाते हैं, तो ये किताब एक ऐसे आदमी के बारे में है जो एक छोटे से जजीरे में रहता था, सही है। तो ये डेफिनेट तो नहीं, इनडेफिनेट यहाँ पर लगेगा क्योंकि इसकी खास हम जजीरे की बात तो नहीं कर रहे जिसके बारे में आप नहीं जानते ये वो जजीरा है, तो एक छोटा सा जजीरा। 56, अब ये फिर से पंक्चुएशन है, सो यू हैव टू पंक्चुएट दिस एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। When Shella arrived, she said, "Please fix me some hot tea. I'm so cold." No. C is not correct here. D is correct. देखो A यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? I small है. A तो होगा नहीं. A तो हटा दो. B भी नहीं होगा क्योंकि I am direct लिखा हुआ है. Apostrophe नहीं है. अब C के बजाय D क्यों है? इसके पीछे reason मैं बता रहा हूँ. प्लीज़ फिक्स मी सम हॉट टी, बरए मेहरबानी मुझे दो कुछ चाय। अच्छा इसके बाद क्या आना चाहिए? तो इसके बाद आना चाहिए बिकॉज आई एम सो कोल्ड। तो ये एक रूल है, हमने पढ़ा था पंक्चुएशन में कि अगर आप किसी एक कंपाउंड सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर आप नहीं लगाना चाहते कंजंक्शन तो आप उसको ओमिट कर सकते हैं, बट इन दैट सिनेरियो यू हैव टू यूज़ अ सेमी कॉलन, तो आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ता है। तो ये सेमी कॉलन बिकॉज की जगह पर लगाए, तो प्लीज़ फिक्स मी सम हॉट टी आई एम सो कोल्ड, तो ये सेमी कॉलन बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने ओमिट किया हुआ है एक कंजंक्शन, कॉमा इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, इसके लिए सेमी कॉलन यूज़ करते हैं, यही फ़र्क है कॉमा और सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का सबसे बड़ा इस्तेमाल यही है कि कंजंक्शन को ओमिट करने के लिए सेमी कॉलन लगाया जाता है, पढ़ा तो था हमने पंक्चुएशन उसमें बताया था। 57, Which one is correct? D option.
हैज़ शी क्लीन हर होम, जी ऑप्शन होगा ए, इसलिए नहीं हो सकता हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आती नहीं, सी भी नहीं हो सकता डिड के साथ सेकंड फॉर्म तो आती नहीं, इज दैट शी, ये भी जुमला गलत है। सही कहा आपने, डी ऑप्शन करेक्ट होगा आप लोगों ने। तो मसला 57 तक क्लियर है सारे। ओके नेक्स्ट 58, अगेन पंक्चुएशन, सो यू हैव टू पंक्चुएट अगेन। सी समीर बाउट एन एप्पल एन ऑरेंज एन अ पियर, एन पेयर लिखा हुआ है ना, वो तो ऐसे ही गलत हो गया। अब एन एप्पल कॉमा नहीं है, वैसे भी कॉमा भी नहीं है। समीर बाउट आ एप्पल, नहीं सही, सही है सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 59 है, डू यू वेयर डैश यूनिफॉर्म टू द स्कूल, नो आर्टिकल, बिल्कुल सही, यूनिफॉर्म से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। डू यू वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल, 66 है, यू कैन नॉट ईट द मैंगो, इट इज़ नॉट डैश येट, राइप, आप नहीं खा सकती हैं, पका नहीं है अभी तो राइप। 61 है, शी डैश फॉर अमेरिका टुमारो, शैल लीव होगा कि विल लीव, विल लीव होगा ना भाई, शैल कहाँ से, तो शी विल लीव फॉर अमेरिका टुमारो। 62, अ लार्ज सम ऑफ मनी डैश स्टोलन इन लास्ट नाइट्स बैंक रॉबरी, अ लार्ज सम लिखा हुआ है, सही है तो वॉज हो जाएगा। 63 है, वाइल क्लाइंबिंग ऑन टू द माउंटेन टॉप आई डैश अ स्ट्रेंज एनिमल विच आई हैड नेवर सीन बिफोर, पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा मैंने एक अजीब जानवर जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। 20 होगा ना, एनकाउंटर्ड, पास है, एनकाउंटर्ड का मतलब देखा ऑब्जर्व किया। 64 है, सार्ट लाइक्स टू प्ले डैश हॉकी, यस, स्पोर्ट्स वगैरह से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते तो नो आर्टिकल इज सपोज टू राइट हियर। 65, द एक्सक्यूज ही गेव वाज एक्सट्रीमली डैश, जो बहाना उसने दिया वो काफ़ी ड्रामाई था, मतलब वो काफ़ी फेक था, फिल्मसी मतलब ड्रामाई, वो काफ़ी फिल्मसी था, मतलब झूठा लेम एक्सक्यूज था काफ़ी वो। 66 है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब मौसलाधार बारिश हो रही है, गरज चमक के साथ बारिश हो रही है, यस, डिक्लेरेटिव है, सिंपल सादा जुमला है, ये स्टेटमेंट बता रहे हैं। 66 हो गए, 67, द ओल्ड मैन डैश एट द बॉय हु टीज हिम, बूढ़ा आदमी चिल्लाया उन लड़कों की तरफ जब उसने उन्हें, यस ए ऑप्शन होना चाहिए ना, येल्ड एट द, येल्ड मतलब होता चिल्लाना, चिल्लाया, येल्ड एट द बॉयज, येल्ड नहीं हो सकता, हैज येल्ड नहीं, येल्ड्स नहीं, क्यों चुके, आगे हमारे पास जुमला पास्ट में आ रहा है V2 में, तो पीछे भी पास्ट में आना चाहिए। 68 है, द स्टूडेंट्स क्लीन्ड अप आफ्टर दे फिनिश द एक्सपेरिमेंट, किस तरह का जुमला है ये, देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास तीन टाइप के होते हैं ना, एक तो हमारे पास होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या होता है जिसमें सिर्फ एक हमारे पास क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, सही है, अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि आई एम इल टुडे, ये एक हमारा सिंपल सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है जो मुकम्मल मायने देता है अपने,
दूसरा हमारे पास एक सेंटेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़े होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्टेड होता है और बीच में हमारे पास एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फैन वॉइस। तो फैन वॉइस कंजंक्शन होता है, जैसे कि आई एम इल टुडे सो आई विल नॉट गो विथ यू। ठीक है, आई एम इल टुडे सो आई विल नॉट गो विथ यू। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दिस इज अ सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दोनों को हमने साथ में कनेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और सबसे पहले कॉमा लगता है जैसा मैंने बताया अभी। तो ये कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास कहलाता है। द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। तीसरी टाइप हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाती है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है बच्चों, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर हमारे पास कंजंक्शन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद फिर आता है हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज जो मुकम्मल मायने नहीं देता। ठीक है, अब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये बहुत सारे होते हैं। अब इसके अंदर बिफोर आ सकता है, व्हेन आ सकता है, आफ्टर आ सकता है, एज सून एज आ सकता है, और भी आ सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस में लिखती हूँ, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस को गौर करें तो ये जो हमारे पास चुके दो क्लॉज जुड़े हुए हैं, दो क्लॉज मिले हुए हैं आपस में, और ये बीच में बिफोर आ गया, तो ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब बताए कौन सा सेंटेंस है तीनों में से, कॉम्प्लेक्स हो गया, आफ्टर आ गया ये, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया ए ऑप्शन। फैन बॉयज आता तो कंपाउंड होता, दोनों ही नहीं आता तो सिंपल होता, सही है। तो ये भी इस तरह के सवाल भी आते हैं आपके एमडीकेट में ना, कि बताओ सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया है 69 है, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स डैश डाइड फॉर द कंट्री। यस, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स हैव डाइड ना, हैव डाइड फॉर द कंट्री, क्योंकि प्लूरल सेंस आ रहा है। 70 है, फिर से पंक्चुएशन है, बताए कौन सा करेक्ट है। मिसेस सज्जाद हु वॉज सिटिंग अच्छा बिहाइंड द डेस्क गेव मी अ स्माइल, सही है। अब ये दो कॉमा के बीच में जो हमारे पास सेंटेंस होता है, असल में ये मिसेस सज्जाद को ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वो मिसेस सज्जाद जो डेस्क के पीछे बैठी थी, उन्होंने हमें स्माइल दिए, तो दो कॉमा के बीच में आया, सही कह रहे हैं आप, राइट। तो ये बताया था ना मैंने दो कॉमास का इस्तेमाल, कि जो दो कॉमा है वो पिछले वाले जो वर्ड लिखा है दो कॉमा से पहले उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। अगर आप इसको हटा भी दो सेंटेंस को यहाँ से, अगर ये पूरा पार्ट अगर आप इसको ओमिट भी कर दो ना, सो द सेंस विल रिमेन सेम, कि मिसेस सज्जाद गेव मी अ स्माइल। तो वो बस उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मिसेस सज्जाद हैं कौन, हु शी इज। ठीक है, ये समझ आई बात, आगे क्लियर है। 71 डैश नोस दैट Dallas is not the capital of Texas. बोले सही बता रहे, नॉट एवरी वन, यस, मतलब हर कोई नहीं जानता कि Dallas जो है वो कैपिटल है टेक्सस का। नॉट एवरी वन नोज दैट Dallas इज द कैपिटल ऑफ टेक्सस। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो ह्यूस्टन है ना वो टेक्सास का कैपिटल है, क्योंकि ह्यूस्टन एक बड़ा शहर है, लेकिन असल में वो डलास है,
सुना होगा आपने, दैट इज़ अ टेक्सास है किसी, जैसे ज़्यादातर इंडिया का कैपिटल लोगों को जो है वो मुंबई लगता है, इस तरह पाकिस्तान का कैपिटल लोगों को कराची लगता है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल लोगों को सिडनी लगता है, तो लेकिन है नहीं इनमें से कुछ भी, ये सारे गलत हैं। तो ये आप ऐसे सर्वे आप करोगे ना, अगर पाकिस्तान का कैपिटल पूछोगे आप तो लोग ज़्यादातर कराची बोलेंगे। आप अमेरिका जाओ, आप इंटरव्यू करो या यूरोप जाकर ना, तो दे विल टेल यू के भाई कराची इज़ द कैपिटल ऑफ, क्योंकि मशहूर ज़्यादा कराची है। इस्लामाबाद तो छोटा सा है, इस्लामाबाद तो छोटा सा, आबादी भी बहुत कम है, पूरे इस्लामाबाद में जितनी आबादी है उससे ज़्यादा आबादी तो ड्रीम बाज़ार के बचत बाज़ार में होती है, लाइन लगाए खड़ी हुई वो 50% ऑफ लेने के लिए, उससे ज़्यादा आबादी तो रोड पे खड़ी होती है हमारे ड्रीम बाज़ार के सामने, सही बात है ना। तो बहुत बड़ी आबादी कराची की, 72 है। वी डैश द लेक मैनी टाइम्स बिफोर बट वी एंजॉयड आवर सेल्फ्स द मोस्ट दिस टाइम। ओके, वी हैव एंजॉयड, सही है, एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो वी हैव एंजॉयड द लेक मैनी टाइम्स। ओके, 73 है, द चिल्ड्रेन एज वेल एज द मदर डैश मिसिंग आफ्टर द फ्लड। तो आर हो जाएगा, चूंकि द चिल्ड्रेन के हिसाब से लगेंगे, एज वेल एज आ गया तो अग्रीमेंट के रूल के लिहाज से आर हो जाएगा, सही है बिल्कुल, आर मिसिंग। तो मदर को नहीं देखना है, फिर फर्स्ट वाले को देखते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब आता है तो सेकेंड वाला देखते हैं, पढ़ा है ना हमने अग्रीमेंट में। 74, द प्लेन डैश लेट बिकॉज वन ऑफ द पैसेंजर्स वॉज सिक, टुक ऑफ लेट, बिल्कुल सही, कि प्लेन ने जो टेक ऑफ किया वो देर से किया, क्योंकि एक पैसेंजर जो था वो कोई बीमार था। 75, हाउ वी डैश टू एजिंग इज अ चॉइस वी मस्ट मेक वाइजली। ओके, तो ऑप्शन शायद आगे है इसका। ओके, रेस्पॉन्ड, एब्सॉल्व, डिस्चार्ज, ओवरलुक। अगेन आई एम गोइंग टू शो यू द सेंटेंस, सॉरी, हाउ वी डैश टू एजिंग इज अ चॉइस वी मस्ट मेक वाइजली। एजिंग मतलब होता है उम्र का बढ़लना, उम्र का बढ़ना, क्या होगा बताइए। यस, सही कहा आपने। हाउ वी रिस्पॉन्ड, हम एजिंग को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये एक चॉइस होती है जो हमें वाइजली अकलमंदी के साथ लेनी पड़ती है, कि अगर एक इंसान की उम्र बढ़ रही है तो वो क्या फैसले करे, उसको रिस्पॉन्स किस तरह से करे, ये हमारा एक चॉइस होती है हमारी, क्लियर है। 76, करेक्ट सेंटेंस चूज करें इसमें से, फ्रीक्वेंटली, अब चूंकि फ्रीक्वेंटली आ गया तो ये अगेन हमारे पास आ गया, दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अक्सर, तो हमेशा हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस ढूंढ लें, कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बी ऑप्शन, ही विजिट्स द टेंपल फ्रीक्वेंटली। 77, प्लीज गिव मी डैश केक दैट इज ऑन द काउंटर, गलत जवाब, अरे भाई दा केक। अब ये केक डेफिनेट हो गया ना, अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो यार, 9-10 में आता है ये सब, अब ये डेफिनेट केक है, बराए मारे माने मुझे वो केक दीजिए जो काउंटर पे पास है, तो खास हो गया ये केक, तो दा लगेगा, आ कहाँ से लगे, हाँ तब लगता है जब हम आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, बात तो आपको बता रहे हैं कि हम इशारा करें किसी खास केक की तरफ, तो डेफिनेट आर्टिकल दा लगेगा, इनडेफिनेट कहाँ से बना दिया आपने उसको। 78, पंक्चुएशन है करें, डी, द क्लास विल बिगिन नेक्स्ट थर्सडे 6 सितंबर, गलत जवाब, डी नहीं है, यस सी ऑप्शन है, द क्लास विल बिगिन नेक्स्ट थर्सडे, अच्छा 6 सितंबर एट 6 PM, तो ये 6 सितंबर इस थर्सडे को एक्सप्लेन कर रहा है असल में, दो कॉमा के बीच में इसलिए आ रहा है, अगर आप इसको हटा भी देते तो जुमला सही, तो दो जो कॉमास लगा रहे हैं ना उसके अंदर, तो दे आर एक्चुअली यूज टू एक्सप्लेन थर्सडे, कि नेक्स्ट थर्सडे का जो डेट हो रही है ना वो असल में 6 सितंबर हो रही है।
79-90 रुपीज़ डैश टू मच फॉर द बैग। यस, अमाउंट जब आ जाता है तो इज़ लगाते हैं, अमाउंट करेंसी नोट आ जाए तो इज़ लगाएंगे, बताया था ना, अग्रीमेंट रूल है। 90 रुपीज़ इज़ टू मच फॉर द बैग, आर नहीं होगा, 80 है। फर्दर रिसर्च इज नीडेड टू फाइंड आउट व्हाट साइड डैश दिस पिल हैज़ ऑन अ पर्सन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, कौन सा इफेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन वाला साइड इफेक्ट्स, नाउन लगेगा ना, सो दिस इफेक्ट इज एक्चुअली नाउन और ये तो हमारा वर्ब होता है, साइड इफेक्ट में ये वाला इफेक्ट आता है, ठीक है, समझ गए। अब ये तो 2021-22 इस तरह के पास पेपर थे, अब उसके बाद 2023 के पास पेपर्स मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ 2023 के, ये उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना सब। अब ये 2023 का डाओ का DUHS का पास पेपर है, तो JSMU को तो मैंने अपलोड किया था बट वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो ये रिकंडक्ट वाला है, एक तो जो फर्स्ट हुआ था वो तो मैंने अपलोड कर दिया था, और ये रिकंडक्ट जो हुआ था DAO ने जो रिकंडक्ट किया था ये वो वाला MCQ का, तो दो MCQ तो आपको मिलेंगे सिंध में 2023 के, दो मिलेंगे, एक JSMU वाला अलग मिलेगा और DUHS वाला अलग मिलेगा, तो मैं JSMU वाला नहीं करा रहा, वो आप मेरे, अच्छा ये भी जो मैं लेक्चर है इसको कवर अप करके वो ECAT वो DUHS जो DAO पास पेपर या MDCAT पास पेपर जो है उसकी प्लेलिस्ट में इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको ये लेक्चर मिलेगा, क्योंकि तो उसमें अक्सर बहुत सारे और पास पेपर अपलोड हुए हैं तो उसी के साथ एक और इजाफा हो जाएगा, क्योंकि तो 2009 से मैंने सारे पास पेपर अपलोड किए हैं मैं इंग्लिश के भी और केमिस्ट्री के भी, तो ये वाला भी उसी में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट की मदद से लेक्चर को देखें, रैंडम वीडियोज़ की मदद से ना देखें, प्लेलिस्ट से देखने में आसानी रहती है ना, कि आपको सीक्वेंस पता लगता है कि सीक्वेंस से लेक्चर चल रहा है, रैंडम देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा उसमें। अच्छा, तो DUHS का 2023 का सिंध का पास पेपर है ये, इसको देखते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द फ्रेगमेंट इन द फॉलोइंग ऑप्शन। फ्रेगमेंट किसे कहा जाता है, पार्शियल पीस मतलब टुकड़ा मतलब कह सकते हैं ना, कि पार्शियल पीस ऑफ अ सेंटेंस, जो मुकम्मल मायने नहीं दे रहा वो फ्रेगमेंट कहलाता है। अब इन चारों में से फ्रेगमेंट कौन सा है, बी ऑप्शन है, क्विकली बिफोर द रेन स्टार्टेड, सही कहा आप लोगों ने, बी ऑप्शन है, क्योंकि ये हमें मुकम्मल मायने नहीं दे रहा, क्विकली बिफोर द रेन स्टार्टेड, तेज़ी से जब बारिश शुरू हुई, तो ये एक फ्रेगमेंट है। क्वेश्चन टू है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इनकरेक्ट यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी, इसमें एपोस्ट्रॉफी गलत इस्तेमाल किया गया। द चिल्ड्रंस टॉयस डी, डी ऑप्शन किसी, क्या कह रहे हो, डी कह रहे हो, डी कहाँ से हो गया, लेकिन डी सही, तो डी में क्या मसला है, मसला क्या है डी में, अच्छा डी तो सेंटेंस ही गलत है, ओके ओके, इनकरेक्ट यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी, नहीं तो उसमें तो देखो बेटा, देखो एक मिनट, ए में सही यूज किया हुआ है, बी में सही यूज किया हुआ है, सी में तो है ही नहीं, तो गलत यूज है ना ये, तो देख अब देखो, अगर यहाँ पर ये देखो सी भी यहाँ पर ना इनकरेक्ट यूज है, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी यस होना चाहिए ना यहाँ पर, इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड, तो गलत तो सी भी है, ऐसे टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी सवाल लिखने में, तो ये और डी भी इनकरेक्ट है, डी इसलिए इनकरेक्ट है कि अगर यहाँ से एस हटा दो ना, तो ये एपोस्ट्रॉफी गलत लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर होना चाहिए था, तो सी और डी दोनों यहाँ पर इनकरेक्ट यूज एपोस्ट्रॉफी, सी में तो एपोस्ट्रॉफी यूज ही नहीं किया, या क्या पता यूज होगा गलत जगह पर होगा, मेरे लिहाज से दोनों जुमले गलत है, सी बी और डी भी, क्लियर है यहाँ तक बात। क्वेश्चन थ्री है विच सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट्स द करेक्ट यूज ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस कौन सा इसमें से, ऑप्शन सी है ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर, क्लियर है, पास्ट परफेक्ट बना हुआ है।
फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द करेक्ट ऑर्डर वर्ड ऑर्डर, सही सेंटेंस कौन सा इनमें से, अरेंजमेंट सही किसकी हुई है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही, शी यूजुअली गोज फॉर जॉगिंग इन इवनिंग, चूंकि यूजुअली जो है ना आमतौर पर, ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, तो शी यूजुअली गोज फॉर जॉगिंग इन इवनिंग, वो आमतौर पर शाम के वक्त जॉगिंग करने जाती है। क्वेश्चन फाइव है, वट वुड बी द सुटेबल रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन हाउ वॉज योर डे एट स्कूल, अगर कोई आपसे सवाल करेगा, हाँ वैसे पाकिस्तानी बच्चा हो तो डी भी बोल सकता है, तो गलत थोड़ी ना है, आई डोंट लाइक स्कूल, हमारे यहाँ तो बच्चे यही बोलते हैं मुझे स्कूल पसंद नहीं, जाना ही नहीं, अब वो अब अंग्रेज का बच्चा है बोलता है इट वॉज ग्रेट, लाइक थैंक्स फॉर आस्किंग, उन्हें खेलते हैं ना बच्चों के साथ बड़ा, उनको मज़ा भी आता है, हमारे यहाँ तो पता है इस लोग मारे बेहतर है कि जाओ ही नहीं तो ऐसा ही, तो वैसे बी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन सिक्स से आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस हिज द कार इज रेड, एरर कहाँ है यहाँ पर, तो ऐसी जुमला तो गलत है ये तो आपको पता है। ए तो नहीं है, डी भी नहीं है, बी और सी, द कार इज रेड भी तो बोल सकते हैं, हाँ अगर 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 देखो अगर आप हिज हटा दो तो भी सही है, दा हटा दो तो भी जुमला सही है, अब क्या करें, हाँ द वर्ड द आर्टिकल हिज इज अननेसेसरी, द वर्ड ऑर्डर इज इनकरेक्ट, इट शुड बी हिज कार इज रेड, हाँ जी क्या सही है आप बताओ ना मुझे, आप बताओ रीजन क्या है, सी क्यों सही नहीं है, देखो तो सेंटेंस तो चार वर्ड तो है सेंटेंस में सिर्फ, तो चार ही वर्ड वाला सेंटेंस है ना, कोई लंबी एक्सप्लेनेशन भी नहीं है कि हम समझ पा रहे हैं कि क्या सही होना चाहिए, हिज कार इज रेड उसकी कार लाल है, द कार इज रेड कार का रंग लाल है, दोनों ही सही, दोनों बोलते हैं हम लोग हैं, आंसर कीज में जो है वो तो सी लगा हुआ है, हिज कार इज रेड, कीज के लिहाज से तो सी है, मेरे लिहाज से तो बी भी सही, अब जो भी देख लो आप, बी सी दोनों करेक्ट है मेरे लिहाज से, आंसर कीज में इसमें जो डाउ की जो की आई थी उसमें सी लगा हुआ था निशान में, ठीक है, तो ये मसला है, ऐसे देना नहीं चाहिए इनको, बड़े देते हैं ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये तो एग्जैक्ट ऐसे ही आया था, ये गलती है, ठीक है। सेवन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जनरस, जनरस मतलब होता है सखी फयाज, सेल्फिश हो जाएगा बिल्कुल, इसका एंटोनिम मतलब जिद मतजाद अपोजिट, तो सेल्फिश हो जाएगा, क्लियर है बच्चों, तो डाउ के पास पेपर सम कर रहे हैं 2023 के, तो क्वेश्चन एट है, द सन बिगेन टू, अच्छा यहाँ पर ना एक ब्लैंक्स आएगा जो मिसिंग है, यहाँ पर एक ब्लैंक्स आना चाहिए, क्या होगा, द सन बिगेन टू डैश बिहाइंड द माउंटेन्स कास्टिंग अ वार्म एंड ब्यूटीफुल ग्लो अक्रॉस द वैली, है देखो सेट या राइज में से एक होगा, सेट नहीं होगा राइज होगा, ऐसे पहाड़ के पीछे वो सेट भी होता है, लेकिन आगे जुमला पढ़ो ना, वो बिखेरता है ए वार्म एंड ब्यूटीफुल ग्लो, तो वो जाहिर सी बात है वो फिर डूबते उठो ना बिखेरेगा इसको, जब सूरज तुलू होता है तो वो बिखेरता है ना अपनी रोशनी अपनी किरणें। क्वेश्चन नाइन है, आफ्टर लॉन्ग डे एट वर्क सारा फाउंड इन हर फेवरेट बुक, सारा फाउंड उसके बाद यहाँ डैश होना चाहिए, इन हर फेवरेट बुक, एस्केपिंग इनटू कैप्टिवेटिंग वर्ल्ड,
लंबे अरसे काम या एक लंबे दिन काम करने के बाद सारे ने पाया डैश अपनी पसंदीदा किताब में और वो फरार हो गई एक कैप्टिविटी एक ख्याली दुनिया में वो चली गई। तो उस किताब में उसने क्या पाया? अच्छा यहाँ पर देखो, ये वॉलेस नहीं होगा, ये सोलेस है। सोलेस मतलब होता है सुकून, कंफर्ट। ये है केओस, केओस के मतलब होता है अफरा तफरी, अफरा तफरी, केओस। एंड्यूरेंस के मतलब होता है बर्दाश्त, एग्नी, अजियत, एग्नी मतलब अजियत। सोलेस पाया उसने बिल्कुल, तो वॉलेस नहीं है, ये गलत है, सोलेस। ठीक है, 10 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद इनकरेक्ट यूज ऑफ, सॉरी, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इनकरेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन। इनकरेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन पंक्चुएशन, करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट? इनकरेक्ट मल्टीपल, मतलब तीन सही कैसे हो सकते हैं? करेक्ट यूज पूछना चाहिए ना, तीन पंक्चुएशन सही कैसे, क्योंकि सेंटेंस एक ही है सारा ना, तो एक ही सही होगा ना पंक्चुएशन के लिहाज से, तीन कैसे सही हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाए करेक्ट, करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन बताइए। बी, ए तो नहीं होगा, ये तो समझ गया मैं। सी, आई एम गोइंग टू द स्टोर, डू यू नीड एनी थिंग? या सी भी नहीं होगा। आई एम गोइंग टू द स्टोर, डू यू नीड एनी थिंग? नहीं, ओके, यस, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये करेक्ट एक सिर्फ है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। 11 है, विच सेंटेंस हैज करेक्ट ग्रामेटिकल एंड स्टाइल स्ट्रक्चर? ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? यस, दे आर प्लेइंग सॉकर, ये ऑप्शन सही है। 12 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस विथ करेक्ट यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी इन पोजेशन। एपोस्ट्रॉफी का करेक्ट यूज कहाँ हो रहा है? जी कहाँ हो रहा है? बी, द कैट्स टॉयज आर इन द कॉर्नर, द कैट्स टॉयज। सी क्यों नहीं हो सकता? क्यों गलत लगा हुआ है? क्यों गलत लिखा हुआ है सी? बिल्लियों के खिलौने कॉर्नर पर है, और ये बिल्ली के खिलौने कॉर्नर पर है, तो बी क्यों, मतलब सी ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है? कैट्स है ना, कैट्स मतलब बिल्लियों के, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? देखें ना, अब ये कैट है ना, आगे बिल्ली का बोल रहे हैं तो कैट्स, लाइक समथिंग ऑफ कैट। अगर बिल्लियों का बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कैट्स अपोस्ट्रॉफी, मतलब ऑफ कैट्स। उसमें क्या गलत है? नहीं सुना है कभी आपने ये? प्लुरल के बाद भी तो अपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं, तो क्या गलत है फिर सी में? मतलब सिंग कैट्स ये भी सही, ये वाला कैट्स भी सही है, दोनों करेक्ट है। वैसे अक्सर नॉर्मली एक ही बिल्ली के लिए बात की जा रही है, तो आंसर की लिहाज से तो बी ही है, द कैट्स टॉयज आर इन द कॉर्नर, क्योंकि अक्सर लोग एक ही बिल्ली पाल रहे होते हैं। लेकिन ये कॉमन सेंस नहीं लगाना चाहिए इसमें, उनको ये जुमला देने नहीं चाहिए था, सी वाला चेंज करना चाहिए था मेरे लिहाज से, अदरवाइज सी करेक्ट है। क्या पता कोई 10 बिल्ली पाल रहा, अब ये नहीं, 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 यही तो मसला, नंबर नहीं मिलते हैं इनकरेक्ट में, नहीं मिलते हैं, ऑप्शंस गलत है तो गलत है। ये पिछले बार भी हुआ था, ये होता है इंग्लिश में तो खास तौर पर ऐसा होता है। अब जबकि इतना बड़ा पेपर टाइप हो रहा है, आप इसको 10 बार प्रूफ रीडिंग तो करें कम से कम, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस रात में टाइप किया सोते हुए सुबह बच्चों को पेपर पकड़ा दिया। ये आप 10 टीचर से प्रूफ रीडिंग कराएं ताकि कोई गलती ऐसी ना निकले। जैसे मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ ना कि यहाँ पर 2 MCQs के ऑप्शन सही आ रहे हैं, अब जिसका तुक्का लग गया लग गया, गलत है ना ये तो। एक एक नंबर कीमती है, पैसा होता है इंग्लिश में तो खास तौर पर ऐसा होता है, तो मैंने देखा है, क्योंकि छोटे छोटे आपको पता है इस तरह के जुमले में एक कॉमा आगे पीछे तो करना होता है। अब इतना आसान नहीं है इसका ऑप्शन को बनाना समझना,
कि बाकी वाकई में तीन बिल्कुल गलत जा रहे हो और एक सही आ रहा हो, तो बच्चा सही आंसर लगाएगा ना। अगर दो उसको सही लग रहे हैं तो फिर कैसे मसला आ जाएगा। ये क्वेश्चन 13 है, विच आर्टिकल शुड बी यूज्ड इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, ही लिव्स इन ओल्ड हाउस। इनके बाद लगेगा ना, क्या लगेगा? यस, ही लिव्स इन एंड ओल्ड हाउस, सही है। 14, आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन द यूज ऑफ प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, शी इज गुड एट कुकिंग इन द किचन। कहाँ मिस्टेक है? शी इज गुड एट लिखा हुआ है, शी इज गुड एट कुकिंग इन द किचन, गलती कहाँ पर है? वो माहिर है किचन में खाना पकाने में, बताएं कहाँ गलती है। क्या? शी इज गुड एट टू कुक इन द किचन। अबे भाई ये ऑप्शन है, सारा सही जुमला है, इट इज द करेक्ट सेंटेंस, नो मिस्टेक इन इट, गलती है ही नहीं। कहाँ ढूंढ रहे हो आप, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। ऐसे तो बोलते हैं शी इज गुड एट किचन कुकिंग इन द किचन, गुड एट मतलब माहिर है, एक्सपर्ट है, बाकी कुकिंग आ रहा है सही है, इन द किचन भी और किचन में तो गलती नहीं है वहाँ पर। आप कह रहे हो कि टू कुक आए तो ज़रूरी नहीं है, शी इज़ गुड एट टू कुक, दो प्रेपोजिशन तो वैसे ही नहीं आ सकता एक साथ, तो ऐसे ही गलत हो गया। विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट्स करेक्ट, पता नहीं आगे आएगा शायद, ये आगे मिलेगा। ओके, 15, विच सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेट्स करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, किसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सही इस्तेमाल किया जा रहा है, बताओ। ए बी सी डी, द कैट आर स्लीपिंग, ये तो नहीं होगा, द कैट इज स्लीपिंग सही है, द कैट्स इज स्लीपिंग नहीं, द कैट्स, आप बोलो। करेक्ट है दोनों, अब क्या बोलूँ मैं, क्या एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता मैं इस बात को, बिल्ली सो रही है, बिल्लियाँ सो रही हैं, क्या गलती आप बताओ। सी और डी दोनों करेक्ट है, 100% करेक्ट, आप गलती निकालो रही, अब क्या बोलूँ मैं, दोनों ही ठीक करूँगा और क्या करूँ। या ये ऐसा नहीं होगा, टाइपिंग करने में गलती हुई हो सकता है, या ऐसा होगा ही नहीं, आए ही ऐसा नहीं होगा, अभी फिलहाल ये दोनों सही है अभी के लिए, ठीक है। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, ये पैसेज मैंने बताया था, आता है आसान सा पैसेज आता है, उसको पढ़ के आंसर देना होता है। ये पैसेज लिखा हुआ है, नोबडी नोज व्हेन फिक्शन स्टार्टेड, परहैप्स द फर्स्ट हिस्टोरी टेलर वॉज द प्री हिस्टोरिक मदर ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड टू हर चिल्ड्रेन, और मे बी इट वॉज द हंटर टेलिंग अबाउट हिज एडवेंचर्स अराउंड द कैंप फायर। Who can tell? What do we know? Though is that storytelling was a purely oral activity around 800 BC. Myth and tales were passed down by word of mouth and had to be memorized by each new generation of storytellers. This oral tradition's only example of Homer, a blind professional storyteller who lived in the 8th century BC. एक आसान सा एक पैसेज है कि कहानी सुनाने का जो रिवाज है ये बहुत पुराना है, प्री हिस्टोरिक टाइम से चला आ रहा है, कि शायद मदर अपने बच्चे को कहानी सुनाती थी दुनिया कैसे बनी है कहानियों की सूरत में, या हंटर क्या करता था, कहानी सुनाता था अपने एडवेंचर्स की, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, बस ये जानते हैं कि पहले जो कहानियाँ लिखी नहीं जाती थी, वर्ड ऑफ माउथ से क्या होता था, एक बंदा दूसरे को सुनाता रहता था और इस तरह से कहानी आगे बढ़ती थी। जैसे कि एक मशहूर एग्जाम्पल दे रहे हैं, 800 BC में पैदा हुआ होमर, एक ग्रीक जो एक वो था, एक बहुत बड़ा पोइट था ना, ग्रीक ब्लाइंड पोइट था, जिसको के स्टोरी टेलिंग किया करता था, लोगों को कहानियाँ सुनाता था जस्ट ओरल ट्रेडिशन से, उसने लिखा कुछ भी नहीं। होमर, इलियाड हो गया, बहुत सारे उन्होंने जो है वो बड़े बड़े स्टोरीज लिखे हैं ग्रीक लैंग्वेज में। तो ये एक पैसेज है आसान सा, नहीं भी एक्सप्लेन करो तो आपको समझ में आगे क्या लिखा हुआ। इसी के मुकाबले में NED का पैसेज बहुत टफ होता है, ये बहुत आसान होता है। अब इतना पैसेज उसका तो इसका 10 गुना डबल होता है, मतलब ऐसे ऐसे पेज होते हैं। यहाँ तो देखो 5 लाइन का पैसेज, अब सवाल भी बड़ा आसान पूछते हैं ना, मलवा कह रहे था कंटेक्चुअल मीनिंग ऑफ द फिक्शन इज डैश, फिक्शन के क्या मतलब है, नैरेटिव है, कहानी है, स्टोरी है, किस्सा है,
17 है. द मिथ्स वर पास्ड डाउन बाय डैश बाय वर्ड ऑफ माउथ. ठीक है. 18 इट इज स्ट्रेस इन द पैसेज दैट स्टोरी टेलिंग डैश. पैसेज में क्या पता लग रहा है कि स्टोरी टेलिंग क्या है. डी ना सी कहां से डी होगा ना. पॉसिबली बिगेन एट प्री हिस्टोरिक टाइम्स लिखा हुआ तो है. प्री हिस्टोरिक मदर मतलब प्री हिस्टोरिक से मुराद कदीम जमाने में, जब हिस्ट्री लिखेगी उससे पहले का टाइम प्री हिस्टोरिक टाइम कहलाता है. और होमर का जो दौर था वो तो हिस्टोरिकल टाइम है ना, जो हिस्ट्री लिखेगी उस वक्त कल की बात है. क्लियर है भाई समझ में आगे बात वो मसला. तो 18 MCQs 18 MCQs होते हैं इंग्लिश के. 18 होता है ना. ठीक. अच्छा ये डाउ के 2023 के MCQs यहाँ पर हमने सारे कंप्लीट कर लिए समझ में आ गया सबको. अच्छा ये UHS के भी मैं करा रहा हूँ ना, टाइम है हमारे पास. अब देखो 2023 में आपको पता है सिंध का अलग हुआ था तो पंजाब का अलग हुआ था. पंजाब का आपको पता है UHS लेती है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज जिसको हम कहते हैं, तो उसके भी MCQs देख लेते हैं. ये भी 2023 के ही हैं बट सिंध के नहीं पंजाब के. इंग्लिश तो सबका सेम होता है बेटा, ग्रामर है ये तो पूरी दुनिया के लिए सेम है. क्या सिंध क्या पंजाब क्या बलूचिस्तान, सही बात है. ग्रामर है ना, यूनिवर्सल एक रूल है जो हम पढ़ते हैं. चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट. ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताइए. इनमें से कौन सा है, उसका वजन दो मन है. मॉन्ट्स मतलब होता है मन. उसका वजन दो मन है मतलब 80 किलो 40 किलो होता है ना एक मन. अरे क्या हो गया. भी ऑप्शन होगा. ही वेट 2 pounds. उसका वजन दो मन है. जैसे दिस मार्कर वेज 20 ग्राम्स. सिंपल. हिमसेल्फ की नीड ही नहीं थी यहाँ पर. दैट्स बात है, जब उसका वजन तो खुद का ही है ना, उसकी हिमसेल्फ की जरूरत क्या है इसमें. सही है. तो ही वेट 2 months. नेक्स्ट क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. वी फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वॉज डैश बीनीथ अवर फीट. हमें ऐसा महसूस हुआ कि जमीन हमारे पाँव से सिरकती जा रही है. यू आर स्लिपिंग. बेटा वहाँ उर्दू बताने वाला कोई नहीं होगा, वहाँ खुद ही लिखना है ऐसे. अब पता लगा सिरकती जा रही है तो हम लोगों को स्लिपिंग होगी. खुद ही समझना होता है सिरकती जा रही है कि फिसलती जा रही है क्या हो रहा है. नेक्स्ट. अ फ्यू ईयर्स अगो इट डैश दैट ह्यूमन बींग्स डू नॉट बिलोंग टू दिस अर्थ. कुछ चंद सालों पहले ये पता लगा. इट वॉज फाउंड. बिल्कुल सही. ये पता लगा कि इंसान जो है वो इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता. वो तो पैन स्पर्मिया कॉन्सेप्ट जो साइंस फिक्शन मूवी में आता है उसकी बात कर रहे हैं. अ शोल ऑफ फिश. शोल ऑफ फिश क्या होता है. स्कूल ऑफ फिश होता है ना. आई थिंक सो. जो फिश की कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड स्कूल होता है ना. अ स्कूल ऑफ फिश डैश किल्ड बाय द फिशरमैन. आ स्कूल आ गया ना तो सिंगुलर है. बोलो बोलो जोर से बोलो. हैज बीन किल्ड. हैज के हैज. अरे हैज बीन किल्ड ना. मारा गया उन्हें. उन्होंने थोड़ी ना मारा किसी को. पैसिव है. नहीं समझ में आ रही बात. पैसिव एक्टिव थोड़ी ना है जो हैज लगाएंगे. हैज बीन लगाएंगे. हैव बीन क्यों नहीं लगेगा. चुके हैव बीन तो है ही नहीं ऑप्शन में वैसे भी. एट लास्ट द दे fly was okay. They fly नहीं दा होगा. At last the fly was dash. Fly मतलब होता है ये मक्खी को कह रहे हैं ना. Yes, trapped by the spider. ये option. उसको फंसा लिया spider ने. Choose the similar meaning of the bracketed word. Providentially his mind was not injured. Providentially उसका जो जहन था. लकीली. बिल्कुल सही. प्रोविडेंशियली मतलब होता है लकीली, खुशकिस्मती से. अ कारपेंटर कार्व्स डैश ऑन कैब डोर्स. चूज द राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक. एक जो कारपेंटर है वो बनाता है डैश कैब डोर, जो टैक्सी है उसके दरवाजे पर. अरबेस्क ओमेट डेक्ट फ्लोरल.
कार्ब्स होता होता बनाना। देखो फ्लोरल जो है ना वो एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ उन्होंने चाहिए था फ्लोरल डिज़ाइन, तो सही होता है ये, तो डी नहीं है। दिस इज अरबेस्क। अरबेस्क जो है ना वो डिज़ाइन होती है जिसको बनाया जाता है, ये नाउन है, तो यहाँ पर एक नाउन आना चाहिए था। तो पंजाब का थोड़ा सा मुश्किल होता है सिंध के मुकाबले में ना, क्योंकि उनका एमडीकैट भी मुश्किल होता है, सिंध के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखो ये अरबेस्क आपको पता ही नहीं इसके मतलब क्या होता है, तो मैं करा दे रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल भी कर लो UHS का। नेक्स्ट है डैश मैथड्स डोंट वर्क, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दीज मैथड्स डोंट वर्क, बिल्कुल सही कि ये मैथड्स काम नहीं करते। वी जस्ट डैश अ गेम ऑफ टेनिस, हमने अभी खेला है टेनिस का एक खेल। बोले क्या होगा, सी होना चाहिए ना। यार देखो ये दो तरह से हो सकता है, अगर हम इसको अमेरिकन इंग्लिश में देखें ना तो अमेरिकन इंग्लिश के लिहाज से जस्ट हैड होना चाहिए, वी जस्ट हैड अ गेम ऑफ टेनिस, क्योंकि अमेरिकन प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट यूज ही नहीं करते, वो पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, तो उसके लिहाज से हैड होना चाहिए वर्क के सेकंड फॉर्म। तो ये और हैव भी हो सकता है अगर हम इसको ब्रिटिश इंग्लिश के लिहाज से बात करें, तो ये यहाँ पर हैड होना चाहिए, वैसे आंसर की के अंदर हैड है, वैसे हैव भी हो सकता है, लेकिन जो अमेरिकन होते हैं देवर नेवर यूज लेता, वो कहते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट को भी पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में यूज़ करते हैं। दैट्स वाई वी जस्ट हैड अ गेम ऑफ टेनिस, हमने अभी भी खेला है, अगरचे सेंस या प्रेजेंट परफेक्ट का ही आ रहा है लेकिन बन रहा पास्ट इंडेफिनिट में। ज़्यादा सुनने में ज़्यादा बेहतर आपको ये लगता है, क्योंकि हम लोग अक्सर जो सुनते हैं ना टीवी में इधर उधर, तो वो हम अमेरिकन इंग्लिश ही सुन रहे होते हैं, तो हमारे कान इसी को सुनने के काबिल है। ही जस्ट केम इन माई रूम, ही हैज़ जस्ट केम कम इन माई रूम कभी नहीं कहते हम, शी जस्ट केम इन माई रूम, शी जस्ट एंटर्ड इन द रूम कभी नहीं कहते हैं, शी हैज़ जस्ट एंटर्ड इन द रूम, अगरचे पढ़ते हम यही हैं ही हैज़ जस्ट एंटर्ड, लेकिन बोलते हुए कहते हैं ही जस्ट एंटर्ड, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं करती, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करती है। टेन है द पेन इज एक्सपेंसिव, स्टिल आई डैश, पेन है तो बड़ा महंगा लेकिन फिर भी मैं उसे खरीदूंगा। उर्दू सुनने के बाद फौरन जवाब आता है आप लोगों का, खरीदूंगा तो सर आ जाएगा, सर विल बाय, स्टिल आई विल बाय। 11 है पंक्चुएट द गिवन सेंटेंस करेक्टली, पंक्चुएशन कीजिए। माई फादर इज अ चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन इंटरनल रिलेशंस, ये ऑप्शन ही यहाँ पर होगा। ही ऑल्सो हेड्स द डिसिप्लिन कमिटी, ये अलग अलग दो सेंटेंस हैं। बी में माई फादर इज चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, हाइफन का इसमें कोई जरूरत ही नहीं थी, हाइफन इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, हाइफन तो टाइम वगैरह को मतलब उसको कंपाउंड वर्ड्स को जोड़ने के लिए हाइफन इस्तेमाल करता। सी है माई फादर इज चेयरमैन ऑन द कमिटी ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, अब ये जो लगता है ये हमेशा लिस्ट बताने के लिए होता है, लिस्ट थोड़ी ना चल रही है, कॉलर नहीं लगेगा। माई फादर इज चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस बट ही आल्सो, तो बट की नीड ही नहीं थी इस जुमले के अंदर, लेकिन की जरूरत ही नहीं थी, ये ऑप्शन कनेक्ट होगा। ठीक है 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, मैं वहां रहना चाहता हूं जहां मेरे वालदैन रहते हैं, क्या होगा बेटा बी ऑप्शन। सी के आई वॉन्ट टू लिव वेयर, अच्छा आई वॉन्ट टू लिव वेयर, ओके सही है, पंक्चुएशन की मिस्टेक है यहाँ पर, बी ऑप्शन करेक्ट, आई वॉन्ट टू लिव वेयर माई पेरेंट्स लिव, तो वेयर यहाँ पर एक हमारा कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ इसके मतलब है ना, जहाँ मेरे वालदैन रहते हैं। 13 है चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ये तो दोबारा रिपीट हो गया। 14 है चूज द करेक्ट ही फेल्ट एज, ये भी तो रिपीट हो गया।
वाकई में इसमें क्या रिपीट हो गया था क्या? तो बड़े मज़े हैं फिर तो, अगर ऐसा ही था तो ये तो मज़े हैं इनके, दो सवाल तो ऐसे रिपीट हो गए। यह शायद टाइपिंग करते हुए गलती हुई है, सही है। 15 ओके, ये पैसेज दिया जा रहा है पूरा, ये तो समझ लो एक पहेली है, लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है जो इसमें इंग्लिश में डाल दिया गया है। राइट आफ्टर द सिविल वॉर मैनी डिस्ट्रॉट सोल्जर्स मेड देयर वे वेस्ट टू फाइंड फेम एंड फॉर्च्यून, सम कुड नॉट गो होम बिकॉज देयर वॉज नो होम्स टू गो, द वॉर हैड डिवास्टेटेड देम, वन यंग मैन विल गुडलैंड मेड हिज फॉर्च्यून इन द हिल्स ऑफ कोलोराडो, ही फाउंड गोल्ड इन अ लिटिल रिवर नियर ग्रैंड जंक्शन, हिज फॉर्च्यून वॉज अ शॉर्ट लिव हाउएवर इन 1875 ही डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी एंड रिटर्न टू द लैंड ऑफ हिज बर्थ द प्लेडमोंट ऑफ साउथ कैरोलिना, फॉर विच साइड डिड ही फाइट ड्यूरिंग द वॉर। ओके, कह रहे वो जो बंदा है जिसका नाम है विल गुडलैंड, उसने किसके खिलाफ, देखो सिविल वॉर अगर आपको हिस्ट्री पता है थोड़ी सी ऐसी मैं बता देता हूँ कि जैसे यूएस है ना अमेरिका, सिविल वॉर किसे कहते हैं, खाना जंगी है, कंट्री के अंदर अगर जंग छिड़ जाए तो उसको सिविल वॉर कहा जाता है, उर्दू में उसे हम कहते हैं खाना जंगी, ठीक है, एक कंट्री में वॉर छिड़ जाए। जैसे यूएसए है, ये अब जो यूएसए था ना तो वो सिविल वॉर के दौरान दो पार्ट्स में ना टूट गया था, अब ये वाला हमारा नॉर्थ का पार्ट था और ये वाला हमारा साउथ का पार्ट था। नॉर्थ में जो लीड कर रहे थे वो थे अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, और साउथ में जो लीड कर रहे थे उनका नाम था, आपने इनका नाम पढ़ा होगा डेड एम्ब्रोक में, नेथन बेडफोर्ड फॉरेस्ट, ये सेकंड इंग्लिश में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये नॉर्थ और साउथ, अच्छा ये साउथ के जो स्टेट्स हमारे पास थे ना ये स्लेव स्टेट्स थे, स्लेव स्टेट्स थे, ठीक है। तो स्लेव स्टेट्स क्यों, चूंकि ये स्लेवरी पसंद करते थे ये स्लेव, और जबकि अब्राहम लिंकन क्या करना चाहते थे, ही वॉन्टेड टू डू टू अबॉलिश द स्लेवरी फ्रॉम अमेरिका, जो गुलामी है जो अफ्रीकन स्लेव्स लाए जाते थे अफ्रीका से, वो बेड़ियाँ जंजीरें पहनाकर वो चाहते थे ऐसा ख़त्म हो जाए अमेरिका में गुलामी कल्चर ख़त्म हो और लिबर्टी रहे, आज़ादी रहे हर तरफ हर इंसान को। तो इसलिए अब्राहम लिंकन ने एक जंग की थी साउथ वालों से, मतलब नॉर्थ वाले सारे स्टेट्स मान चुके थे आप स्लेवरी ख़त्म करेंगे, लेकिन साउथ वाले नहीं माने थे। तो अब ये इसी में क्या हुआ था कि साउथ वाले को ना शिकस्त हो गई थी, नॉर्थ जीत गई थी। तो अब वो जो जो लड़ाई चल रही थी वो यहाँ पर कहीं बीच में इधर इधर कहीं चल रही थी नॉर्थ के साइड, तो अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो जो बंदा था विल गॉड गुड लैंड जो था इस लड़ाई के बाद, तो उसने किस साइड से लड़ाई की थी, नॉर्थ की तरफ से क्या साउथ की तरफ से। अभी जुमला अगर आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पर इसका ताल्लुक जो है ना वो कहाँ से, कह रहे हैं कि जब मतलब पहले तो वो नॉर्थ में जो लोग थे वहीं पर वो सेटल हो गए, वहीं पर वो सेटल हो गए, और उसके बाद वहाँ पर उसने अपने को हिल पे क्या किया उसने, तो ही मेड अ फॉर्चून इन द हिल्स ऑफ कोलोराडो, वहाँ उसने कारोबार वगैरह शुरू कर दिया। बाद में जब वो बैंकरप्ट हो गया तो क्या, रिटर्न टू द लैंड ऑफ हिज बर्थ, वो वहाँ आ गया जहाँ पर वो पैदा हुआ था, जहाँ से उसने लड़ाई की थी जिसके लिए, और वो कहता है साउथ कैरोलिना। तो कह रहे हैं कि फॉर विच साइड डिड ही फाइट ड्यूरिंग द वॉर, तो किस साइड की तरफ से लड़ाई की थी उसने, साउथ की तरफ से की थी। इतनी लंबी कहानी सुना रहे, बात तो यही चुकी हुई है कि साउथ कैरोलिना, अक्सर बच्चे यहाँ पर ना वेस्ट देखकर वेस्ट लगा लेते हैं या फिर इस तरह से, समझ गए। तो ये थोड़ा पहली टाइप का सवाल था, इंग्लिश सुनी है हम इसको बोले, सही है। 16 डैश सो मैनी पीपल बीन आउट ऑफ वर्क यस्टरडे, विच पार्ट इज मोस्ट appropriate टू बी filled इन द blank, blank में क्या लगेगा, देखो यहाँ पर बीन आ रहा है, बीन इसको देखते हुए बीन के साथ हैज हैव हैड ये लगता है ना, डी तो नहीं होगा, मोर देन एवर बिफोर सो मैनी पीपल बीन
नेवर बिफोर हैव सो मैनी पीपल बीन इन द पास्ट देयर नेवर हैव बीन और जब मोर आ गया तो मैनी की जरूरत नहीं थी ना यहाँ पर एन भी नहीं है अब बी और सी नेवर बिफोर हैव सो मैनी पीपल बीन आउट इन द पास्ट देयर नेवर हैव सो मैनी पीपल बीन आउट ये सही ऐसी ऑप्शन करेंगे यह ज़्यादा अप्रिप्रिएट है इन तमाम जुमलों में से 17 स्पॉट द एरर आउट ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड वी ट्राई टू स्पीक विद वन अनदर बट कन्वे नथिंग बोले क्या हो गया गलत क्या है स्पॉट द एरर करना विद गलत है या वन अनदर गलत है बट गलत है कॉन्वे गलत है हमने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की लेकिन हम कुछ कन्वे नहीं कर पाए क्या होगा करेक्ट बताइए हाँ जी कॉन्वे मतलब होता है अपनी बात पहुंचाना दूसरे तक कॉन्वे तो सही है अरे भाई मैं बताता हूँ ए ऑप्शन है विद के नीड ही नहीं है जुमले में वी ट्राई टू स्पीक वन अनदर हमने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की विद की नीड नहीं थी इसके अंदर एक्स्ट्रा लगा भैया विद 18 है इन विंटर द डेज एंड नाइट्स इज कोल्ड चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस क्या होगा ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही आर कोल्ड होना चाहिए ना डेज और नाइट की बात कर रहे हैं आर कोल्ड सही है तो मसला क्लियर है यहाँ तक बात ये यूएचएस के पास पेपर मैंने आपको 18 क्वेश्चन करा दिए पंजाब के जिसके बाद जो है नम्स के एमडीकेट के 2023 के इंग्लिश के पेपर हम करेंगे ये नम्स है नम्स के बारे में आप जानते हैं जिस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस आज ही शायद इसका टेस्ट है नम्स का टेस्ट आज हो रहा है ना अभी हो रहा होगा ये ख़त्म हो गया होगा आपको सुबह था तो ये नम्स के 2023 का आज जो हो रहा है वो 24 का हो रहा है टेस्ट नम्स का नम्स के थ्रू आपको पता है नम्स के थ्रू भी MBBS के हम जा सकते हैं बट ये प्राइवेट इदारों में जा सकते हैं सारे कराची के अंदर हम इसमें बहरिया में जा सकते हैं इसको इसके टेस्ट देकर किम्स में जा सकते हैं और रुथ फॉर मेडिकल कॉलेज इसमें जा सकते हैं ये तीनों मतलब बहरिया तो आपको पता है नेवी वालों का है और किम्स जो है वो आर्मी का है और जो रुथ फॉर मेडिकल कॉलेज है फजाइया मतलब PF वालों का लेकिन ये प्राइवेट है इसमें से अगर आप कमीशन के थ्रू जाओगे तो फिर आप फ्री में पढ़ोगे लेकिन अगर आप ऐसा प्राइवेट कैंडिडेट जाओगे तो आपके प्राइवेट जैसे ही फीस लगेगी इसलिए अक्सर बच्चे नम्स नहीं देते हाई फी की वजह से इसी तरह से अगर कराची से बाहर जाना है तो आप AMC में भी ले सकते हैं इससे एडमिशन जो आर्मी मेडिकल कॉलेज होता है AMC तो वो नम्स का ही टेस्ट होता है वहाँ पर तो रावलपिंडी में अगर आपको AMC में पढ़ना है तो वो ये तरीका है तो इसके हम पास पेपर कर रहे हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज टेस्ट तो हो गया आज इसका ठीक है बेटा नम्स के पास पेपर्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 का जो पेपर था नम्स का तो उसके फर्स्ट MCQs है आई डैश इंग्लिश फॉर 5 years ओके सी ऑप्शन आई हैव बीन लर्निंग क्वेश्चन 2 है द सूप डैश गुड बी ऑप्शन टेस्ट गुड 3 है अनलेस वी डैश नाउ वी कैन नॉट बी ऑन टाइम यस अनलेस वी स्टार्ट नाउ कंडीशनल है क्वेश्चन 4 है दाऊद इज बेटर देन डैश ऑफ द कॉलेज दाऊद बेहतर है कॉलेज के बाकी टीचर्स से यस सी ऑप्शन हो जाएगा ऑल अदर टीचर्स ऑफ द कॉलेज क्वेश्चन 5 है अबाइड डैश द ट्रैफिक लॉस फॉर स्मूथ एंड सेफ फ्लो ऑफ ट्रैफिक अबाइड एक वर्ब इसके बाद क्या आता है प्रेपोजिशन बताइए फॉलो करना ना अबाइड का मतलब होता है फॉलो करना फिर भी करना
क्या होगा बताओ? मैं अबाइड बाय, अबाइड के साथ बाय आता है हमेशा, अबाइड बाय द रूल्स, मतलब रूल्स को फॉलो करो। क्वेश्चन सिक्स, ही प्रीफर्स डेथ डैश डिसऑनर, वो मौत को तरजीह देता है बेइज्जती पर। हाँ नो, टू डी ऑप्शन, प्रीफर के साथ टू आता है, ही प्रीफर्स कॉफी टू टी। क्वेश्चन सेवन है, व्हाट डज द वर्ड सरप्लस मीन, सरप्लस के क्या मतलब होता है? इन एक्सेस, बिल्कुल सही, ज्यादा बड़ी तादाद में कोई चीज है तो सरप्लस अमाउंट में है मतलब। क्वेश्चन एट है, व्हाट डज द वर्ड स्पिल मीन्स, स्पिल वाटर का स्पिल हो जाना, फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, डी ऑप्शन। व्हाट डज द वर्ड क्यूरियस मीन्स, क्यूरियोसिटी से निकला ना क्यूरियस, तजस्सुस, कीन होना या शौकीन होना किसी चीज का, कीन होना, इफ यू आर क्यूरियस अबाउट समथिंग देन यू आर कीन अबाउट समथिंग। सही है, समझ गए? तो नम्स की इंग्लिश आसान होती है, सारे समझ में आ गए? तो मैं तमाम प्रोविंसेस के आपके करा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप देख लें कि किस तरह से सवाल आते हैं। ये सारे पिछले साल ही हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन टेन, पिक द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, ओके पंक्चुएशन देखें, हाँ जी क्या होगा? बी तो होगा नहीं, ही हैड वन मोटो, डी होगा। यहां जो कॉलन हमने लगाया ना, ये मतलब इसके आगे इसको एक्सप्लेन करें कि उसका एक मोटो है, वो मोटो क्या है, सर्विंग ह्यूमैनिटी। आप दो काम कर सकते हैं, अगर आप या तो ऐसे करें, यहाँ कॉमा मिसिंग है ना, ये भी सही होता, अगर आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को ओमिट करते हैं तो फिर आपको कॉलन लगाना पड़ता है डायलॉग वगैरह को बताने के लिए। तो ही हैड वन मोटो सर्विंग ह्यूमैनिटी, क्लियर है? अब चूंकि यहाँ कॉमा नहीं था इसलिए ये नहीं हो सकता, क्लियर है? और सी में तो सेमी कॉलन लगा है, यहाँ तो किसी जरूरत ही नहीं थी किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, फैन बॉयज की। क्वेश्चन 11 है, पिक द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, कुलीग, सी गलत जवाब है, बी होता है कुलीग, कुलीग की सही स्पेलिंग बी है बेटा, सी कहाँ से हुए, कुलीग साथी होते हैं ना, अभी जो काम करते हैं साथ में, कुलीग कहलाता है। 12 है, पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग एक्वेंटेंस, जान पहचान, ऑप्शन है बिल्कुल सही, एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान, शनासाई कह सकते हैं। क्वेश्चन 13 है, पिक द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग प्रियोरिटी, डी ऑप्शन है ना, प्रियोरिटी तरजीह। क्वेश्चन 14 है, पिक द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, फिर से देखिए पंक्चुएशन करेक्ट किसमें, बोले he did his best, that was all anyone could do in any job, क्या होगा? ए ऑप्शन होगा ना, दैट से पहले कॉमा नहीं लगेगा, डायरेक्ट बनेगा।
जिससे पीछे भी एक एमसीक्यूज गया है ऐसा। 15 है, पिक द करेक्ट ऑप्शन। मेरे लिए ऐसा चारों गलत है, चूंकि सेंटेंस को बनना चाहिए था पैसिव वॉइस में। जैसे कि कुर्सी की जो टांग है वो कैसे टूटी, तो हैज बीन होना चाहिए ना, जैसे द लेग ऑफ चेयर हैज बीन ब्रोकन। हैज ब्रोकन तो नहीं, कुर्सी खुद तो नहीं तोड़ेगी ना किसी के टांग को, तो हाउ हैज द चेयर लेग बीन ब्रोकन, इस तरह कहीं पर बीन आना चाहिए था। अगर बीन नहीं आएगा तो ये सेंटेंस बन ही नहीं सकता सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट से। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है जो किसी में नहीं बना हुआ, तो ये इसलिए चारों जुमले गलत हैं, करेक्ट कोई भी नहीं है इसमें से। आप लोग क्या करेक्ट कहाँ ढूंढ रहे हो, आप लोग समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसिव है। पैसिव है ना, मतलब कैसे टूटी, तो काम करने वाला एक डोअर ऑफ एक्शन है ही नहीं जुमले में, जिस पर काम हुआ बस ये है ना, रिसीवर ऑफ एक्शन है तो पैसिव है। नहीं पढ़ा पैसिव आज तक, पैसिव है ना ये कि कुर्सी की जो टांग है वो कैसे टूटी, किसने तोड़ा थोड़ी ना पता है, तो पैसिव है। अगर ये जुमला होता ना, तुमने कुर्सी की टांग को कैसे तोड़ा, ये पैसिव है, ये एक्टिव है। तुमने कैसे तोड़ा कुर्सी की टांग को, लेकिन कुर्सी की टांग कैसे टूटी, ये पैसिव है। पता है ना एक्टिव पैसिव का क्या फ़र्क होता है, तो फिर जुमला गलत है ये। ठीक है, ये सारे हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट है SZAMBU, जैम्बू जो है ना, उसके एम डी कैट 2023 के। ये जैम्बू क्या होता है, दिस इज शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, दैट इज जैम्बू शहीद जुल्फ। अच्छा, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस नाम पर है, मतलब आधा पाकिस्तान इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, तो अक्सर चीज़ें आपको इसलिए, जैसे एक लियारी में, लियारी में दो इस नाम से, एक तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, ये MBBS BDS वाला है, अरे कि BBSUL बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी अलग है, यहाँ फार्मडी वगैरह होता है और यहाँ MBBS BDS होता है। इसके बाद अब एक जाओगे, एक यहाँ इंटीरियर सिंध में है, लड़काना में, और CMC का नाम जो चेंज किया गया है वो शहीद वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लड़काना है। ठीक है, तो वो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लड़काना, UC है ना, यहाँ पर यू लिखा होगा। अब ये CMC का नाम है, चांडका मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज करके इस्लाम पर रख दिया गया, अब ये अलग है। अब एक जब इस्लामाबाद आप जाओगे, इस्लामाबाद में एक जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल, वो भी यही है, वो उसका नाम है SZAMBU शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद आपको पता है अलग है, तो उसका टेस्ट अलग होता है, वो UHS का नहीं होता है। अगर तो इस्लामाबाद पंजाब में ही है लेकिन फेडरल है, तो फेडरल का टेस्ट अलग होता है, वो ये कंडक्ट करती है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी यही कंडक्ट करती है SZAMBU, मतलब जो फेडरल का ये वाला जो टेस्ट है ना, ये बलूचिस्तान में भी होता है और ये आसान होता है बाकी तमाम टेस्टों से, जैसे मैंने आपको बताया था। अक्सर कराची वाले बच्चे बलूचिस्तान में जाकर टेस्ट देते हैं, इसलिए ईजी होने की वजह से। तो ये भी एक MD कैट होता है, तो हर प्रोविंस अलग लेती है, तो इस्लामाबाद अपना अलग लेता है। क्लियर है वासन में आगे? तो अक्सर बच्चों को ना ये समझ भी नहीं आते, कर देगा भुट्टो लिखा हुआ, अब पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी इनके नाम पर है बनी हुई। ठीक है, इसी तरह से एक जैबिस्ट है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये भी सुना होगा, ये क्लिफ्टन में है जैबिस्ट, तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जैबिस्ट के नाम से, ये क्लिफ्टन में पड़ता है, ये भी जुल्फकार अली भुट्टो के नाम से। इसी तरह से एक लॉ कॉलेज भी है, यस जैबुल, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज है ना, तो जैबुल जिसको यूनिवर्सिटी लॉ ऑफ लॉ, तो वो आधा पाकिस्तान के नाम पर है अगर आप देखो तो। हाँ, गवर्नमेंट की है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, एक बड़ी एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से इनके नाम पर बहुत कुछ है पाकिस्तान में। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। हाँ,
हाँ लॉ के है ना, जयपुर तो पूरा लॉ है, टोटली LLB होता है उसमें, ठीक है, बहुत मशहूर है। चलो भाई, तो उसी का MD कैट के 2023 के पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वन है द वर्ड रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट के क्या मतलब होते हैं? रिलेक्टेंट का मतलब होता है बेदिल होना, सरोनियम बताना है। तो बेदिल होना मतलब हिचकिचाना किसी चीज से, बोलो। हेजिटेंट होगा ना ये ऑप्शन, हेजिटेंट करना, रिलेक्टेंट होना किसी चीज से। क्या रूट तो नहीं ना, रूट तो अलग चीज होती है। रूट तो मतलब होता है सख्त मिजाज या गुसीला, वो होता है। रिलेक्टेंट थोड़ी ना है, रिलेक्टेंट किसी चीज से आप बेदिल हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं किसी चीज से। क्वेश्चन टू है सिनोनिम ऑफ अपैरल इज। अपैरल किसे कहते हैं? HS अपैरल स्टोर का नाम होता है ना, अपैरल। अपैरल मतलब ड्रेस, कपड़े, लिबास। एंडीवियर के एंटोनियम क्या? एंडीवियर क्या है? जिद्दोजहद, कोशिश, मेहनत। इसका जिद क्या हो जाएगा? जिद्दोजहद का उल्टा इनएक्शन हो जाएगा, जब आप काम ही ना करो कोई। क्वेश्चन फॉर व्हाट इज एंटोनियम ऑफ जीलियस। जीलियस के क्या मतलब? जोशीला। जोशीला का उलट क्या हो जाएगा? एन एंथुजियास्टिक, ए ऑप्शन। क्वेश्चन फाइव है, आर्टिकल फिल करना है। इट इज डैश ऑनर फॉर मी टू एड्रेस यू। आर्टिकल बताएं, इट इज एन ऑनर फॉर मी, है ना, ये एक इज्जत की बात है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। नेक्स्ट है, फिर प्रेपोजिशन पढ़ना है। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट डैश हर, नेक्स्ट टू हर, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। सेवन है, ईच आर्टिकल वॉज सोल्ड डैश ओवर अ पाउंड, सोल्ड आउट, बिल्कुल सही। मतलब हर जो सामान है वो एक पाउंड तक में बिका है। तो मसला तो ये सबसे आसान होता है, जो जैम्बू जो है ना, इसका जैम्बू का जो टेस्ट होता है, इसलिए अक्सर बच्चे इस्लामाबाद में या कोटा जाके टेस्ट दे रहे होते हैं। तो ईजी टेस्ट आज बनता है इनका सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन एट, व्हाट डज द वर्ड एंसेस्टर मीन। फोर फादर, बिल्कुल सही। एंसेस्टर मतलब आपके अबाव अजदाद। द वर्ड बैशफुल मीन्स। बैशफुल का क्या मतलब होता है? बैशफुल मतलब होता है शर्मीला, यस, एम्बैरस, सी ऑप्शन। क्वेश्चन टेन है, पिक द करेक्ट ऑप्शन। पंक्चुएशन करिए जरा। जो नहीं दिख रहा वो गलत है, सीडी नहीं है, अभी ए और बी ही है। क्या ऑप्शन है बेटा? डॉक्टर उमर हैज रीच्ड, यस, बिल्कुल सही। यहाँ बट होना चाहिए था ना बेटा, लेकिन बट नहीं है तो सेमी कॉलन लग गया। क्वेश्चन 11 है, पिक द करेक्ट ऑप्शन। बताइए करेक्ट सेंटेंस कौन सा इन चारों में से? सी, बिल्कुल सही कहा आपने। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन पाकिस्तान, सही है, चाइना की आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है। नेक्स्ट है, पिक द करेक्ट ऑप्शन। बताएं फिर भाई कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है इनमें से? एक ही करेक्ट है, द मशीन विच वॉज न्यू प्रिंटेड द स्टफ फास्टली, गलत जवाब। फास्टली कोई वर्ड ही नहीं इंग्लिश कर लेके बंदे। फास्ट जो है ना, फास्ट एक एडजेक्टिव भी है, फास्ट एक एडवर्ब भी है। फास्टली नहीं होता, फास्ट का मतलब तेज भी होता है और फास्ट का मतलब तेजी से भी होता है। ही रन्स फास्टली तो नहीं बोलते है ना, तो डी तो हो ही नहीं सकता। और बताइए क्या बोल रहे हो? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। ए कहाँ से? द मशीन विच वॉज न्यू प्रिंटेड द स्टफ फास्ट, द मशीन जो न्यू थी उसने तेजी से प्रिंट किया स्टफ को। फास्टली बस नहीं होना था, अक्सर बच्चे फास्टली लगा देते, ये गलत हो जाता। तो मसला है बेटा, समझ में नहीं आया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, चूज द करेक्ट सेंटेंस. अब जो नहीं दिख रहा है वो गलत है, जो नहीं दिख रहा है वो गलत है. दिख क्या रहा है, ये ए या बी में से कुछ करेक्ट होगा. नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, सी सही है. सॉरी दिख रहा नहीं है. आई विश आई वर अ मिलियनर. सही है पसंद वो नहीं, वो उसका मसला नहीं है, वो प्रिंट ही ऐसा. तो ये लिखा हुआ आई विश आई वर अ मिलियनर. ये तो आपको पता था ना, इमेजिनरी सिचुएशन है तो वर्ड लगाते हैं. 14 है, द टाउन डैश इट्स अपीयरेंस कंप्लीटली सिंस 1980. सिंस आ गया तो परफेक्ट टेंस है, हैज चेंज हो जाएगा. बिल्कुल सही, सी ऑप्शन हैज चेंज्ड. 15, द नेक्स्ट मार्च, बाय नेक्स्ट मार्च वी डैश हियर फॉर 4 इयर्स. डी तो होगा नहीं, मतलब यहां पर हम मतलब अगले मार्च तक हम यहां 4 सालों से रह रहे होंगे. सी ऑप्शन है, शैल हैव बीन लिविंग. वी के साथ शैल लगता है ना तो सही है, शैल हैव बीन लिविंग. क्वेश्चन 16, द स्टूडेंट्स अकॉम्पनीड बाय द टीचर डैश एंटरिंग द म्यूजियम. अब देखो द स्टूडेंट्स अकॉम्पनीड बाय द टीचर, तो स्टूडेंट्स के लिहाज से लगाएंगे ना, अग्रीमेंट है, आर लगेगा, आर एंटरिंग द म्यूजियम. तो अकॉम्पनीड या एज वेल एज, इस तरह के वर्ड जब आते हैं तो पहला वाला देखते हैं. नेक्स्ट, नॉन ऑफ अस डैश बियॉन्ड अ माइल. हम में से कोई भी 1 मील दूर नहीं गया. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है यहाँ पर. नॉन इसके साथ क्या लगाते हैं, नॉन ऑफ अस. हैव गॉन के हैज गॉन. नॉन को सिंगुलर लेते हैं, हैज गॉन होगा. नॉन ऑफ अस हैज गॉन बियॉन्ड अ माइल. नेक्स्ट, आई डैश बिफोर 10 PM. डी तो नहीं है, डी जो भी लिखा हुआ है डी नहीं है. ए बी सी तीन ऑप्शन है. विल हैव स्लीप, ये क्या कर दिया भाई, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा ना. आई शैल हैव स्लेप्ट बिफोर 10 PM, मतलब मैं सो चुका हूंगा 10 बजे से पहले. बेटा विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है ना, फर्स्ट फॉर्म को लगा था. इतने सारे सवाल कर लिए, अब तो आपको, और आखिरी लेक्चर है, इसके बाद इंग्लिश का कोई लेक्चर नहीं है. इसके बाद जस्ट लॉजिकल पे सवाल, कुछ एक सवाल क्लासेस होंगी, या मतलब कि लास्ट वीक ऑफ द क्लासेस हमारी चलेंगी, 10 तक हम एंड कर देंगे उसके बाद कोर्स को अपने. तो टेस्ट रखना हुआ तो टेस्ट रखेंगे बस, सिर्फ भाई टेस्ट ही रखाएगा, क्लासेस नहीं रखाएंगे फिर कुछ. सही, क्योंकि अब आप घर पर खुद भी प्रैक्टिस करेंगे. फर्स्ट सेट उन्होंने स्टार्ट हो गया, आपसे हमें क्लोज करना है सेशन ना, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं उसमें. तो इतना पूरा, वैसे भी इतना टाइम पढ़ा है तो ज़रूरत नहीं है आप और पढ़ लेंगे. हम पढ़ाई तो ऐसे ही ख़त्म नहीं होगी, इतना पढ़ लो पढ़ते ही रहोगे, कुछ ना कुछ रहेगा ही रहता है. ऐसा एप्टीट्यूड में तो आप 100% कर ही नहीं सकते हो. अब 22 तारीख तक भी क्लास चलाएंगे ना, तो उस वक्त तक तुम चलाते ही रहोगे, उसमें भी लगेगा कि सर अभी भी कुछ बाकी है. बट वो तो हमेशा ही रहेगा. तो एक वक्त आता है कि इंसान खुद पर घर पर ही करता है कोशिश, और वो ज़्यादा काम आता है जो आपने घर पे प्रैक्टिस की होती है. तो मैं पहले ही बता रहा हूँ आप, या तो जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि बेटा ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे होनी है. अब बाकी सारे मैंने से 2023 कर रहा हूँ, बाकी आपका काम है, आप करो सॉल्व किस तरह से करना है. ओके, इसके बाद ये लास्ट हम लोग करें KMU MDCAT 2023. KMU क्या होता है भाई, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी. ये कंडक्टिंग बॉडी होती है KPK की. तो KPK में जो होता है ना, जो टेस्ट होता है, ओके, तो वैसे तो ETA लिया करती थी पहले, अब ETA नहीं लेती, अब जो है वो ये KMU लेती है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पिशावर. खैबर का नाम आ गया तो पिशावर तो आ ही गया, ठीक है. तो वो वहाँ के, वहाँ जो पिशावर और डिफरेंट सिटीज़ में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका टेस्ट, अब वो अलग टेस्ट होता है सिंस पूरे KPK का. तो उसके पास पेपर है आखिरी, यही टाइम भी कम्प्लीट हो जाएगा हमारा उसमें, ठीक है. तो 2023 कितने सारे पास पेपर हैं आप देखो, तो हर सुबह का अलग है ना.
तो हम सिंध के अलावा बाकी सारे भी मैं करा दे रहा हूँ कि आप देख लें कैसे आते हैं पैसे, और ये सब PMDC सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सारा का सारा यही सब आता है। आपको घर पर जाके इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ये सब नहीं आता है, नरेशन वगैरह ये सब नहीं। चंद चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई थी जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, वीडियो अब तक पड़ी हुई है, पहला लेक्चर होगा ये KTMDCAT का इंग्लिश के पोर्शन का, तो जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं जो बाद में ज्वाइन किए हैं वो लाजमी शुरू के लेक्चर्स देख लें जो हमने 6-7 मंथ्स बैक स्टार्ट किया था, तो वो लाजमी देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश गोइंग टू स्लीप आई लाइक टू रीड फॉर हाफ एन आवर, यस बिफोर गोइंग टू स्लीप सोने से पहले मुझे आधा घंटा पढ़ना पसंद है। क्वेश्चन 2 है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन सून, क्या होगा? अब देखो लुक फॉरवर्ड जो होता है ना, लुक फॉरवर्ड इसके साथ टू भी लगाते हैं और इसी लुक फॉरवर्ड के साथ हम लोग जो है ना वो फॉर भी लगाते हैं। फॉर उस वक्त लगाएंगे जब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा नाउन, और टू कब लगाएंगे जिसके बाद आएगा वर्ब। जैसे आई एम लुकिंग आफ्टर टू हेयर फ्रॉम यू सून, टू लगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अनाउंसमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब जो अनाउंसमेंट आ गया तो फिर फॉर आ जाएगा, तो याद रखिएगा टू भी लगता है, ऐसा नहीं कि टू नहीं लगता है, बट इस केस में नहीं लगेगा, ठीक है, तो फॉर लगेगा। Question 3 द डॉग्स डैश एस्केप, मतलब कुत्ते फरार हो गए, बोले आसान है, हैड एस्केप हो जाएगा ना, क्योंकि हैज तो होगा नहीं, होना चाहिए तो हैव होता, अब हैव नहीं है तो हैड सही है, ठीक है। वैसे मेरे लिहाज से ना, मुझे जो लगता है हैड भी नहीं होना चाहिए था मेरे लिहाज से, सारे गलत है। रीज़न क्या, क्योंकि हेड आएगा तो डबल एक्शन आएगा ना, हेड आएगा अगर तो एक पास्ट इनडेफिनिट का भी तो क्लॉज आएगा, डायरेक्ट थोड़ी ना हेड आ जाता है कभी भी, पास्ट परफेक्ट पढ़ा है ना हम लोगों ने बेटा, तो यहाँ पर मेरे लिहाज से यहाँ पर हैव होना चाहिए था, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है ये जुमला, ओके बेहतर है, द डॉग्स हैव एस्केप, फरार हो चुके हैं, तो वैसे अगर नहीं होता तो सही लगाते हैं फिर मजबूरन। नेक्स्ट है मारिया डैश दैट शी कुड नॉट अटेंड क्लासेस नेक्स्ट वीक, मारिया ने कहा अपने प्रोफेसर से कि वो नहीं अटेंड करेगी क्लासेस अगले हफ्ते, बोले ABCD क्या हो गया बेटा, BD डेल्टा, गुड आ गया ना बेटा, ये डी तो हो ही नहीं सकता, फास्ट है। अब बोलिए ABCD डी तो नहीं, और बताइए बेटा, अरे यार सही से बोलो, मुंह खोल के क्या बोलना चाह रहे हो, सी होगा ना, तो ऐसे बोलो कॉन्फिडेंटली सी होगा, बस नहीं होगा तो बता दूंगा मैं सी नहीं है। शी टोल्ड हर प्रोफेसर, बिल्कुल सही, सी होगा, टोल्ड के साथ टू तो आता नहीं ना वैसे भी, ए नहीं होगा, बाकी सेट भी नहीं आएगा, चूंकि वो कह रही है अपने प्रोफेसर से तो टोल्ड होगा, जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें टोल्ड लगाते हैं, अगर सिर्फ सब्जेक्ट है तो सेट लगाते हैं, पता है ना ये बात, या सी ऑप्शन होना चाहिए। Question 5 डैश यू लाइक अ कप ऑफ टी, ये तो आसान है, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, तो कॉमन डेली कन्वर्सेशन है हमारी। 6 है दे सैनोनियम फॉर प्रॉम्प्टली, यह सही कह रहे हो, बोलो इंस्टेंटली, फौरन से, प्रॉम्प्टली मतलब फौरन, प्रॉम्प्ट एक्शन होता है ना भाई, तेजी से एक्शन लिया जाए, इंस्टेंट एक्शन प्रॉम्प्ट एक्शन। Question 7 है द पुलिस डैश अरेस्टेड द सस्पेक्ट, देखो सी और डी तो है नहीं, मसला है ए और बी में, क्या होना चाहिए? अब देखो पुलिस क्या, चलो मैं बता देता हूँ, पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है ना बेटा, कलेक्शन है, बहुत सारे पुलिसमैन का कलेक्शन पुलिस के लाती है ना बेटा,
अब अगर वो सारे मिलकर एक ही काम कर रहे हैं तो सिंगुलर, वो सारे मिलकर अलग अलग काम कर रहे हैं तो प्लूरल। अब ये सारे मिलकर तो पुलिस वाले ने वो उन्होंने पकड़ा है मिलकर सबने, अरेस्ट किया सस्पेक्ट को, तो ये सिंगुलर करेंगे तो यहाँ पर हैज आएगा, द पुलिस हैज अरेस्टेड द सस्पेक्ट। सही है, क्योंकि सब मिलकर एक ही काम कर रहे हैं तो कलेक्टिव नॉर्म में हम ये देखते हैं वो समटाइम सिंगुलर होता है समटाइम प्लूरल होता है, तो यहाँ पर सिंगुलर का सेंस आएगा। क्वेश्चन 8 है, हाउ मच स्पूनफुल्स ऑफ शुगर वुड यू लाइक इन योर टी। स्पॉट का एरर को, कितने चम्मच चीनी आपको चाहिए अपने चाय में, बहुत आसान है। यस हाउ मच, सही बात है, हाउ मैनी होना चाहिए ना, मच कहाँ से होगा, चूंकि स्पून ऑफ शुगर है ना भाई, कितने चम्मच चीनी तो काउंटेबल है, कितने चीनी थोड़ी ना बोला, हाउ मच शुगर बोलता तो सही रहता, लेकिन हाउ मच स्पून सही थोड़ी ना है, वो तो काउंटेबल हो गया, तो काउंटेबल है तो मैनी लगेगा। सही है, तो मसला आया तक सही है सारे। क्वेश्चन 9, द फ्रेज स्पिफ्ट अप मीन स्टैंड्स फॉर डैश। स्पिफ्ट अप का क्या मतलब होता है इस फ्रेज के, पता है किसी को, स्पिफ अप क्या, ड्रेस्ड अप, बिल्कुल सही, लिबास पहनना स्पिफ्ट अप, ठीक है। क्वेश्चन 10 है, अब ये तो बड़ा है, 5 लाइन लिखी हुई है, इन प्रोलॉन्ग स्पेस फ्लाइट बिसाइड्स द ऑब्वियस हैजर्ड्स ऑफ मीटियोर्स रॉकी डेब्रिस एंड रेडिएशन एस्ट्रोनॉट्स विल हैव टू डील विद मसल एट्रोफी ब्राउट ऑन बाय वेटलेसनेस देयरफॉर व्हेन दे रिटर्न टू अर्थ दे फेस अ प्रोट्रैक्टेड पीरियड ऑफ वेट ट्रेनिंग टू रीबिल्ड देयर स्ट्रेंथ व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मीनिंग ऑफ द वर्ड डेब्रिस इट इज यूज इन द स्पेस। सिंपल पहले ही बोल देते कि डेब्रिस का क्या मतलब है, स्पेस डेब्रिस होता है ना, यहाँ पर लिखा हुआ डेब्रिस, नॉट डिके, फ्रैगमेंट्स टुकड़े, तो स्पेस डेब्रिस सुना होगा आपने कि अर्थ के अराउंड चारों तरफ घूमते रहते हैं ना, जो स्पेस शटल वगैरह जो होते हैं सैटेलाइट है उनका जो डेब्रिस होता है उनको जो कचरा होता है ना तो वो घूमते रहता है अर्थ के अराउंड, कभी कार्टून्स में भी देखा होगा आपने, तो वो स्पेस डेब्रिस कहलाता है। 11 है, द मनी प्रॉपर्टी ETC दैट इज यूज टू स्टार्ट और ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड, ये तो कॉमर्स का सवाल है, यस कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरमाया, कॉमर्स का सवाल आ गया, ये जो पैसा लगाते हैं आप कारोबार करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और एसेट किसे कहा जाता है, असासा मतलब जो चीज़ आपके पास मौजूद है। 12 है, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड बेस्टोड अ लिटिल टाइटल, सॉरी लिटिल नहीं होगा टाइटल होगा, टाइटल अपॉन द मैन हु सेव्ड हर फ्रॉम अ फेटल एक्सीडेंट, व्हाट डज द वर्ड बेस्टोड मीन्स, बेस्टो का मतलब क्या होता है, बेस्टो मतलब होता है नवाजना या अता करना किसी को कोई चीज, तो क्या हो जाएगा, अता करना, बेस्टो करना, नहीं पता किसी को, ये होगा ना कॉन्फर्ट, कॉन्फर्ट का मतलब ये होता है अता करना किसी को कोई चीज़ देना, तवासना किसी चीज़ से। 13 है, करेक्ट द गिवन सेंटेंस, आई लाइक कैट्स आई हेट डॉग्स, सही जो उस जुमले को सही करके लिखें, ऑप्शन डी होगा, आई लाइक कैट्स बट आई हेट डॉग्स, सही है, नहीं सर मेरी बात देखें तो मसला हो गया क्या, सेमी कॉलन, कॉलर नहीं सेमी कॉलर, किसी चीज़ के लिए भी किसी भी कंजंक्शन के लिए सेमी कॉलर लगेगा, सेमी कॉलर तो है ही नहीं कहीं पर, ये तो कॉलर लगा हुआ है ना, सेमी कॉलर कहाँ है, वरना वो भी सही हो जाता। नेक्स्ट, एड सुटेबल कंजंक्शन इन द गिवन सेंटेंस, योर आइसक्रीम विल मेल्ट कॉमा यू शुड ईट इट क्विकली, सही कंजंक्शन लगाइए, डी योर आइसक्रीम विल मेल्ट However, नहीं ना however क्यों लगेगा, however का क्या मतलब, बहरहाल ये होगा ना, सही कह रही है ये,
योर आइसक्रीम विल मेल्ट सो यू शुड ईट इट क्विकली. सो दैट की जरूरत थोड़ी ना है, सो हो गया. तुम्हारी आइसक्रीम पिघल जाएगी तो तुम्हें उसको जल्दी से खाना होगा, इतना मुश्किल क्या आता है. हाउ एवर तो बहर हाल है ना, तो हाउ एवर सुनने लगेगा. तो मसला लास्ट स्लाइड है, चूज द करेक्ट सेंटेंस. देखो ये सीजर क्या होता है, दिस दिस इज कॉल्ड अ सीजर. क्या करोगे इसका तुम, इससे क्या करोगे तुम, कुछ भी नहीं करोगे. इसका कोई काम नहीं है ना भाई, इसका क्या काम है, इसका कोई काम नहीं. देर इज नथिंग, नो वर्क ऑफ इट. और फिर एक जो है ना, फिर हमारे पास इस तरह से, फिर ये जो डायग्राम नहीं बनने पर जो भी. नाउ दिस इज कॉल्ड सीजर्स. ये काम का होता है. तो सीजर किसी काम का नहीं होता, सीजर्स काम के होते हैं, या पेयर ऑफ सीजर्स कहते हैं ना. तो सीजर तो एक होता है, ये दोनों मिलकर बनता है सीजर्स. समझ में आ रही बात, सीजर कुछ नहीं, सीजर बन जाएगा क्योंकि फेंक उसको किसी काम का नहीं है. उसके प्याज काटोगे उससे क्या करोगे, प्याज भी नहीं कटेगा उससे, उसकी धार अलग होती है ना. ठीक है, तो अब बताओ, अभी भी फंस गए हो तुम लोग. दीज सीजर्स आर वेरी शार्प. एक ही कैची एक ही होगी लेकिन उसको प्लूरल सेंस देंगे, आर लगाएंगे. ये कैंची है ना, ये कैंची है. समझ गए. तो दीज सीजर्स आर वेरी शार्प. नहीं पता था आपको ये बात, इससे पहले सीजर्स होता है ना, प्लूरल सेंस देगा ये. नेक्स्ट है, चूज अ करेक्ट सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड ऑर्डर. आसान है यार, जल्दी बताओ क्या कर रहे हो बेटा. डी ऑप्शन डेल्टा सीयू द कवर डी सीयू टुक द कवर फ्रॉम द विंडो. सीयू होगा ना बेटा, सीयू बंदे का नाम है बेटा. सी एक तो सीयू होता है, सीयू करना, आई विल सी यू, वो सू जिसको हम कहते हैं सू. ये सीयू किसी का नाम है, चाइनीज होगा कोई. तो सीयू ने कवर लिया खिड़की के पास से. पबजी खेले गए भी, पबजी उसमें खिड़की के पास कवर लेते ना जाके, फ्री फायर देखें गोली ना लगे तो कवर लेते हैं. ओट लेना मतलब किसी चीज़ का, देखा होगा मूवीज में कि खिड़की के पास छुप जाते हैं पीछे, फिर वहाँ से फायर कर रहे होते हैं, तो कवर लेते ना वहाँ पे. 17th है, टू कट ऑफ द हेड, सर कलम करना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में. आसान है, अब सर है ना इंसान के ऊपर, समझ जाओ सर ऊपर का एरिया है, तो वो जो है ना वो कैप है, तो क्या हो जाएगा इसका, डीकैपिटेट. डीकैपिटेट करना मतलब किसी का सर कलम करना, उसका कैप खत्म करना, मतलब कैप मतलब पूरा सर ही उड़ा देना. ठीक है, सर कलम करना. लास्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट डैश द टिकट्स फॉर द मूवी इन एडवांस. हमें टिकट पहले से खरीदना होगा एडवांस मूवी के लिए, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज बाय. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो KMU था, खैबर मेडिकल कॉलेज, उसके भी करा दिए. तो मैंने आपको 2023 के इसमें लेक्चर में मैंने आपको देखो DUHS के 18 MCQs मैंने आपको कराए हैं, UHS के 18 MCQs मैंने आपको कराए हैं, NUMS के MCQs मैंने आपको कराए हैं, इस तरह से ZAMBO के मैंने आपको कराए हैं, और इस तरह से KMU के कराएं. ये सारे ही 2023 के MCQs हैं जो मैंने सारे करा दिए आपको. उसके अलावा भी एक्स्ट्रा मैंने 80 MCQ शुरू में करा दिए, तो काफ़ी सारे MCQs हैं. ढाई घंटे से ऊपर का ये लेक्चर है जो यहाँ पर हमारा बन चुका है शायद. हाँ, तो अब ये है कि अब ये लास्ट लेक्चर चुके हैं, इसके बाद में
इंग्लिश के एमसीक्यूज अपलोड नहीं करूँगा लेक्चर्स वगैरह, इसमें आखिरी लेक्चर है ये 1 सितंबर को जो मैं अपलोड करूँगा आज। इसके लिए आपको क्या देखना है, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जो देख रहे हैं, जो यूट्यूब से देख रहे हैं, जितने बैठे हैं यहाँ पर बैठे हैं, तो एमडी कैट इंग्लिश 2024 ये लेक्चर्स यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में आपको सारे मिलेंगे। जो भी लेक्चर्स हैं वो उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारे, सीक्वेंस से आप सारे देख लें। वैसे 2023 22 21 का भी लेक्चर है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं, व्हाट्सएप करते हैं ना, और कि सर इतना सारा प्लेलिस्ट है क्या देखें, हम तो परेशान हो गए। तो भाई सिंपल लेटेस्ट देख लो आप, जब मल्टीपल प्लेलिस्ट है तो सारा काम का नॉलेज सब में है, कोई भी देखोगे प्लेलिस्ट फ़ायदा ही होगा, टेस्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्लेलिस्ट देख लो। लेकिन बेहतर है कि आप इस ईयर का देखें जो लेटेस्ट है, जो सारे बच्चे पढ़े हैं, एक ये प्लेलिस्ट देखिए, और इसके अलावा एक एमडी कैट पास पेपर्स, दिस इज़ द सेकेंड प्लेलिस्ट विच यू हैव टू स्टडी। केमिस्ट्री के लिए देखना चाहें तो एमडी कैट केमिस्ट्री है, लेकिन इंग्लिश की क्लास के लिए ये दो प्लेलिस्ट आप देखेंगे। पास पेपर देख लें, ये वाले जो वीडियो है ये भी पास पेपर में जाकर ऐड होगी, और इंग्लिश के जो लेक्चर्स हैं एमसीक्यूज अलग अलग प्रैक्टिस कराए मैंने एक्स्ट्रा, वो आप देख सकते हैं। तो काफ़ी लेक्चर्स हैं, इतने हैं कि ये 22 तारीख तक आप कंप्लीट कर लें, जो स्टूडेंट देखना शुरू आज कर रहे हैं वो ठीक है। तो मसला किसी